So hello everyone, welcome to iExamB. I hope I am visible to everyone and audible to everyone. तो फटाफट से जितने भी students हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं वो session को share कर दीजिए. Also give me a thumbs up if I am audible to everyone. Come on, thumbs up भेजिए ताकि मैं बता सकूँ आपको आगे का session start हम कर सके, ताकि मुझे पता चल सके कि okay connect हो चुके हैं. All right, I can see पारस नाथ चौधरी. Hello ma'am, good morning. Good morning everyone. I hope सबका जोश high होगा. कुछ ही दिन बाद आपका NABARD का exam है और exam के लिए अब last minute पे क्या है, revision की ज़रूरत है. और इसीलिए iExam भी आपके लिए लेके आया है एक मैराथन सेशन जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. हर एक दिन एक एक आपका सेशन होने वाला है, ठीक है. ऑलरेडी एक कल का सेशन कैलाश सर ने ले लिया था, दैट वाज ऑन एआरडी डेटा एंड स्कीम्स. आज आपका एआरडी कॉन्सेप्ट्स का सेशन होने वाला है. मैं और हिमानी मैम दोनों आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो आप हमारे साथ साथ आंसर्स देते रहिएगा, ठीक है. आई कैन सी पीपल जॉइनिंग, वेरी गुड. ठीक है, तो फिर इसके साथ ही आपके और भी मैं ये जो पूरा चार्ट है ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है. ये मैं आपको बता देती हूँ कि 5 अक्टूबर को हमारा जनरल अवेयरनेस का होगा, तुषार सर ने लेने वाले हैं. उसके बाद ईएसआई के दो पार्ट्स में आपका रिवीजन किया जाएगा, अमित सर लेने वाले हैं. नेक्स्ट आपका कंप्यूटर होगा, फिर डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और फिर लास्ट में एक कंप्लीट एआरडी जिसमें आपके जो सारे जितने भी आपके अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं सबका रिविजन किया जाएगा बाय कैलाश सर. तो इसको आप नोट कर सकते हैं और हमारे साथ रोज आप जुड़िए इसी टाइम पर, ठीक है. सो आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो ये सेशन. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे. फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट. यानी कि देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, कुछ हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उससे क्वेश्चंस लिए गए हैं, साथ ही आपके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बेसिस पे वो भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में हम कौन सी, ऐसे एग्रीकल्चर की अलग अलग ब्रांचेज हैं ना, वी हैव एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी. किस में हम पढ़ते हैं अबाउट द वाटर, मतलब कि इरिगेशन कब देना चाहिए, ये सब किस में पढ़ते हैं हम, क्रॉप मैनेजमेंट किस में पढ़ते हैं. सो क्विकली गिव मी द आंसर्स. बी 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 आ रहा है, येस इट्स करेक्ट, दैट इज द एग्रोनॉमी में हम सारे जितनी भी फील्ड क्रॉप्स होती, फील्ड क्रॉप्स कौन कौन सी होगी, सीरियल क्रॉप्स है, पल्सेस हैं, ठीक है, हमारी फॉडर क्रॉप्स हो गई, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी में. नेक्स्ट है सॉइल साइंस, जिसमें सॉइल से रिलेटेड जितने भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की वो पढ़ी जाती हैं. हॉर्टिकल्चर में सारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, जितनी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, स्पाइसेस है, ये सब हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं. क्रॉप फिजियोलॉजी में डिफरेंट जो फंक्शंस हैं अंडर जो भी प्लांट में फंक्शंस होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन, ये सारा हम क्रॉप फिजियोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में जितनी भी डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरस के जितने भी डिजीजेज होते हैं वो सारे हम प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए हम फटाफट इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिवीजन का आपका टाइम है ना, तो रिवीजन में फास्ट होना चाहिए और वैसे भी आई एग्जाम भी इज 50% फास्टर. तो फिर आप भी फटाफट से आंसर्स मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन फॉर यू. What is agricultural practice of cultivating two or more crops simultaneously on the same piece of land without following any specific row arrangement? मतलब दो से ज़्यादा जब हम crops एक ही field में लगाते हैं लेकिन कोई specific row नहीं होती, उसको क्या कहा जाता है? Okay, I can see नीलेश, साक्षी, गोपाल, रजत कुमार, सनिका, शुभम, वेरी गुड. सो सबके ही आंसर मिक्स्ड क्रॉपिंग आ रहे हैं, मतलब कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. दैट्स करेक्ट आंसर, मिक्स्ड क्रॉपिंग है. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मिक्स क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं. सो मिक्स फार्मिंग क्या होता है, जब अलग अलग एंटरप्राइजेज हम यूज़ करते हैं, एंटरप्राइजेज कैसे,
जैसे कि लाइव स्टॉक हमने कर लिया, ठीक है, उसके साथ ही फिशरीज़ भी कर ली और हम क्रॉप कल्टिवेशन भी कर रहे हैं. तो अलग अलग एंटरप्राइजेस को जब हम मिक्स करते हैं, दैट इज़ मिक्स फार्मिंग, और मिक्स क्रॉपिंग में अलग अलग क्रॉप्स को हम मिक्स करते हैं. ऑल्सो अगर ये रोज़ में होती तो रोज़ में हम क्या कहते हैं, इंटर रो, इंटर क्रॉपिंग आप बोल सकते हो कि इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं अगर रोज़ में है, प्रॉपर रोज़ में. अगर रोज़ में नहीं है तो इट इज़ मिक्स क्रॉपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन द स्क्रीन. ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, या फिर वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कहते हैं या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक है. अब देखिए डेज तो आते ही हैं क्वेश्चंस उसमें, उसके साथ ही आपको थीम भी याद करनी है कि पर्टिकुलर ईयर में कौन सी थीम थी. तो फिर पहले तो मुझे इसका आंसर दीजिए कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है. यस, 21 मार्च दिजुम ने लिखा है, नीलेश, साक्षी, आकांक्षा, अनु, नागा, रजत. यस करेक्ट, इट इज़ 21 मार्च को, दैट इज़ द फॉरेस्ट्री डे, ठीक है. इस साल की जो थीम थी दैट इज़ फॉरेस्ट एंड हेल्थ. ये थीम भी आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है. इसके साथ ही देखो 21 मार्च को आता है हमारा फॉरेस्ट डे, 22 मार्च को आता है वर्ल्ड वाटर डे. 22 मार्च यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, ठीक है. 22 मार्च को वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे. फिर 23 मार्च जो है दैट इज़ फॉर मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे आता है. 24 अप्रैल को क्या आता है, चलो कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से बताइए कि 24 अप्रैल को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है. तब तक मैं आपको बता देती हूँ, 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, ठीक है, और 5 जून को हमारा कौन सा डे, एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है. 24 अप्रैल को क्या होता है, यस दिजुम ने करेक्ट लिखा है, दैट इज़ द पंचायती राज डे, करेक्ट. यस 23 को मेट्रोलॉजिकल, पंचायती राज, करेक्ट, राइट. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका अबाउट द एग्रीकल्चरल एंटेमोलॉजी. एग्रीकल्चरल एंटेमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इट इज़ बेसिकली. देखो ऐसे जो बेसिक से ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर है ना, उसके भी क्वेश्चन आते हैं, कि क्योंकि उसमें नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए बहुत बेसिक से क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं इसमें, ठीक है. सो एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी किस चीज़ की स्टडी होती है, किस में पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं हम इसमें, यस इट इज़ इंसेक्ट्स, 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 यस करेक्ट आंसर इज इंसेक्ट्स, ठीक है. सॉइल फॉर्मेशन किस में पढ़ी जाती है, दैट इज स्टडीड इन द पेडोलॉजी, ठीक है, पीडोलॉजी, पीडोजेनेसिस. फ्रूट्स हम पोमोलॉजी में पढ़ते हैं, फ्लावर्स हम फ्लोरिकल्चर में पढ़ते हैं, ठीक है. प्लांटेशन क्रॉप्स को प्लांटेशन क्रॉप्स की ही स्टडी कहा जाता है, उसका कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिप इरिगेशन इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज द ट्रिकल इरिगेशन. देखिए लास्ट टाइम ना स्प्रिंकलर इरिगेशन पे क्वेश्चन था, कि स्प्रिंकलर इरिगेशन को पूरा डिस्क्राइब कर रखा था कि विच इरिगेशन इस टाइप ऑफ, जिसमें क्या है, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो रेन को रिजेंबल करती हैं. सो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था. यहाँ पर आपको ड्रिप इरिगेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है. क्वेश्चन बेसिकली क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन. सो ड्रिप इरिगेशन में एफिशिएंसी यानी कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी, जितना हम पानी डाल रहे हैं उसमें से कितना एक्चुअल में यूज़ कर पा रहा है हमारा प्लांट, दैट इज द बेसिकली एफिशियंसी. सो ड्रिप इरिगेशन में कितनी एफिशियंसी होती है, श्री केतम का आंसर दिख रहा है मुझे, अनुपम सेन, आकांक्षा शर्मा, रोजा, तरुण, येस यू ऑल आर करेक्ट, दैट इज 90-95% इसमें एफिशियंसी होती है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. इरिगेशन मेथड दैट इज सूटेबल फॉर द अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी. अनड्यूलेटिंग या फिर आप बोल सकते हो स्लोपी लैंड है कोई, ठीक है, या फिर अनड्यूलेटिंग क्या हुआ, जहाँ पर पूरा लेवल्ड नहीं है, लेवल्ड ग्राउंड नहीं है, उसे अनड्यूलेटिंग कहते हैं, ठीक है. सो ऐसी जगह पर कौन सी वाली, कौन सा टाइप ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन इज सूटेबल, दैट इज़ द स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है. अब स्प्रिंकलर इरिगेशन कैसे, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में. देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, बेसिकली एक सेटअप हमारे पास दिया रहता है, एक एमिटर है जिसमें स्प्रिंकल करके वाटर गिरता है इधर उधर, ठीक है. तो फिर जब ये वाटर पूरी तरह से यूनिफॉर्मली सब जगह गिरेगा, तो इट डजेंट लाइक अनलाइक इन फ्लड इरिगेशन. फ्लड इरिगेशन में क्या होगा, अगर हम यहाँ से पानी देंगे तो जहाँ पर डिप्रेशन है वहाँ पर पानी वो लॉगिंग हो जाएगी, और जहाँ पर डिप्रेशन नहीं है वहाँ पर से पानी वहाँ पर जा ही नहीं पाएगा. मतलब ऊपर अगर आप बोल सकते हो अनड्यूलेटिंग अगर लैंड है, ऊपर
ऊपर नीचे है हो रखा है, तो ऊपर जहाँ पर होगा वहाँ पर पानी जा नहीं पाएगा. वेयर इज अगर हम स्प्रिंकलर इरीगेशन लेंगे तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर, ठीक है. इसलिए स्प्रिंकलर इरीगेशन इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. सो देखिए आजकल ना बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो एम्फेसिस दिया जाता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे, देन वी हैव नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारे हॉट टॉपिक्स आप बोल सकते हो है आजकल. तो इसमें आपको बेसिकली चार पांच डेफिनेशंस दी गई हैं, उसमें से आपको बताना है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कौन सा है. आप एक बार देख सकते हो सारे ऑप्शंस और फिर पढ़ के बताओ. देखो लंबे लंबे क्वेश्चंस भी आते हैं आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए एग्ज़ाम में, तो फिर यू शुड हैव दैट प्रैक्टिस कि जल्दी जल्दी पढ़ने की प्रैक्टिस, ठीक है. ओके सेवेंथ, या सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ का बी 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 है. ओके ऑल राइट, 53 स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं. आई वॉन्ट यू टू शेयर इट मोर, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए. आप बी आंसर दिया है मोस्टली स्टूडेंट्स से, तो देख लेते हैं क्या है बी का. अ फार्मिंग सिस्टम दैट प्रमोट्स द मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट सॉइल कवर, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज. सो देखो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से अनलाइक कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में क्या करते हैं हम, जो हमारा लैंड एरिया है उसमें क्लीन कल्टिवेशन करते हैं. एक सीजन में हमने क्रॉप ग्रो करी, दूसरे सीजन में पहले हम उसको पूरा क्लीन कर देंगे, जो भी रेसिड्यूज़ हैं उन सबको हटा देंगे, या फिर हम उसमें बीच में फैलो भी छोड़ सकते हैं. लेकिन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का क्या प्रिंसिपल है कि पिछले जो भी क्रॉप है उसका रेसिड्यू हम रहने देते हैं, एटलीस्ट 30% रेसिड्यू हम रहने देते हैं अपने लैंड एरिया में, या फिर जो भी हमारी हमारा जो फील्ड है उसमें हम हमेशा कवर बना के रखते हैं. मतलब कोई ना कोई क्रॉप हम उगाते रहेंगे, उसमें क्रॉप का रेसिड्यू रखेंगे. ऑल्सो इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है. सो ये और सारे ऑप्शंस तो है नहीं कि हम इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स प्रमोट नहीं करते, ये किस में है, ये जो आप बोल सकते हो कन्वेंशनल फार्मिंग जो है उसमें किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इज सिचुएटेड एट. सो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं इसको किससे, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से. सो वो डिफरेंट है और ये वाला डिफरेंट है. ये बताइए इसका लोकेशन कहाँ है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पर लोकेटेड है. मैम कैन यू प्लीज स्टैंड ऑन वन साइड, द ऑप्शंस आर नॉट विजिबल. ओके सॉरी फॉर दैट. अभी आई होप आपको विजिबल होंगे ये सारे ऑप्शंस. ओके जहाँ पर भी लंबे ऑप्शंस होंगे आई विल स्टैंड ऑन वन साइड. ऑलराइट ओके समाज सिंह हैदराबाद, समाज सिंह कटक. सो इसीलिए मैंने क्वेश्चन रखा था क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इज एट हैदराबाद, ठीक है, और CRI दैट इज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट कटक. ऑलराइट, सो ये दोनों अलग अलग हैं, जितनों के भी गलत हुए हैं वो एक बार नोट कर लो ये, ठीक है. ऑलराइट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिस ऑफ निपिंग. निपिंग किस में की जाती है. देखो कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स अबाउट नो कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, तो वो आप थोड़े बहुत पढ़ सकते हो. आई वॉन्ट से कि बहुत ज़्यादा डीप जाओ, लेकिन थोड़े बहुत एक दो जैसे ट्रैशिंग वर्ड हो गया या निपिंग हो गया, ऐसे वर्ड्स आप पढ़ सकते हो, या टिपिंग भी होता है, ठीक है. सो विच क्रॉप इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिस ऑफ निपिंग विच इंटेल्स द रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड ऑफ यंग प्लांट्स, टिपिकली डन व्हेन प्लांट्स आर 2 to 4 weeks ओल्ड. सो बेस इसमें करते क्या है, निपिंग में ऊपर वाली जो एपिकल बर्ड होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं. क्यों रिमूव करते हैं, सो दैट लेटरल ग्रोथ ज़्यादा हो. वैसे तो ऊपर को ग्रो हो रहा था, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है हमने ऊपर से इसको ब्रेक कर दिया. ब्रेक करके क्या होगा, देखो हमेशा जो एपिकल पोर्शन होता है ना वहाँ पर एक फाइटो हार्मोन होता है दैट इज़ ऑक्सिन, ठीक है, और ये ऑक्सिन हमेशा प्रमोट करता है हमारी लेंथ को, मतलब कि हाइट इंक्रीज करने को. तो हमें अगर चाहिए कि हाइट ना इंक्रीज हो बल्कि लेटरल जो ब्रांचेस अगर इंक्रीज करनी है तो हम ऊपर से इसको बड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है. सो ये किस में किया जाता है, ये ग्राम में, ग्राम ऑल्सो कॉल्ड एज चिकपी, उसमें ये किया जाता है, ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज रिसीविंग एनुअल रेनफॉल मोर देन 750 mm बट लेस देन 1150 mm. सो ये क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो फार्मिंग जो अलग अलग टाइप की होती है उससे रिलेटेड. ठीक है, सो क्वेश्चन मैम आपके माइक में कुछ इश्यू है, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए. ओके इज इट क्लियर नाउ? अब ठीक आ रही है आवाज? आप मुझे बता सकते हो अगर कोई भी इश्यू आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए. ठीक है, ओके. सो ड्राई लैंड फार्मिंग यस, ड्राई लैंड फार्मिंग, ऑल राइट. यस, द करेक्ट आंसर इज ड्राई लैंड फार्मिंग. और जब लेस देन 750 mm होती है, 750 mm रेनफॉल होती है तो विल कॉल इट एज ड्राई फार्मिंग. मोर देन 1150 mm रेनफॉल होती है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, रेनफेड फार्मिंग. ऑल्सो जो ड्राई फार्मिंग है यहाँ पर जो आप बोल सकते हो ग्रोइंग सीजन, मतलब कि कितने टाइम तक हम कोई भी क्रॉप वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, दैट इज़ लेस देन 75 days का ग्रोइंग सीजन होता है इसमें. ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग में इट इज़ अराउंड 120 days, अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो 120 days का ग्रोइंग सीजन होता है, वेयर एज रेन फेड फार्मिंग में इट इज़ मोर देन 120 days. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, द साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट अप्रोच दैट अप्लाइज एग्रोकेमिकल्स टू द फील्ड इन एन इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर, मतलब कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहीं पर हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं और जगह पर इनपुट नहीं डालते, अनलाइक इन द कन्वेंशनल फार्मिंग जहाँ पर हम ब्लैंकेट स्प्रे करते हैं. ब्लैंकेट आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन करते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट का हो गया, कोई भी हमें फर्टिलाइज़र देना है या फिर अगर पेस्टिसाइड डालना है हमें फील्ड में, हमें लग रहा है कि फील्ड में हमारा कोई इंसेक्ट आ गया है तो इंसेक्टिसाइड अगर हम स्प्रे करते हैं तो कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या किया जाता है, पूरे फील्ड में एक साथ डाला जाता है. वेयर इज दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डज नॉट डू दैट. क्या है इसका आंसर? ओके, श्री केतम इज सेइंग प्रिसिजन फार्मिंग, रोजा ए, राज बी. ओके, ए बी है, ठीक है. हाँ, मोस्टली का तो बी है आंसर, सो बी ही हम सही मानेंगे, है ना. प्रिसिजन फार्मिंग होता है, ठीक है. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यू कैन से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जहाँ पर हम रिसोर्सेज को बचा रहे हैं. हाँ, बोल सकते हो कि प्रिसिजन फार्मिंग इज़ अ टाइप ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लेकिन एग्जैक्टली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमारा जो मेन मोटिव और मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम रिसोर्सेज हम बचाएँ और उसको फ्यूचर यूज़ के लिए रखें. ठीक है, तो जहाँ पर ये आप बोल सकते हो कीवर्ड्स आपको देखने हैं. ठीक है, तो कहीं पर भी अगर ये कीवर्ड आपको दिखे कि वी हैव टू सेव द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज़, वहाँ पर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लगाओगे. ठीक है, वेयर इज अगर यहीं पर साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट लिखा है, ये प्रिसिजन फार्मिंग का ये कीवर्ड होता है, साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, तो वहाँ पर आप प्रिसिजन फार्मिंग लिखोगे. ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी सीजन क्रॉप. सो ये आई गेस बहुत ईजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बट प्रिसिजन कैन ऑल्सो इन्वॉल्व कन्वेंशनल. येस, प्रिसिजन फार्मिंग में हम कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि हम पहले जज करते हैं कि कहाँ पर कि कोई भी हमारा अगर न्यूट्रिएंट है उसकी कमी कहाँ पर है, या फिर अगर कहीं पर मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है तो फिर मॉइस्चर की आप बोल सकते हो डेफिशिएंसी कहाँ पर है, तो डेफिशिएंसी पहले देखी जाती है. या फिर कोई प्रॉब्लम है, अगर एक सर्टेन पैच पे ही आपका कोई इंसेक्ट का इफेक्ट पड़ रखा है, इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन हो रखा है, तो हम वहीं पर अप्लाई करेंगे. दैट इज़ बेसिकली प्रिसिजन फार्मिंग. ठीक है, ओके. विच इज़ नॉट अ रबी सीजन क्रॉप में क्या आंसर है? कॉटन, 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 वीट. प्रीति ने वीट, प्रीति, वीट इज़ अ रबी सीजन क्रॉप. ठीक है, इसमें पूछा गया है विच इज़ नॉट, तो कॉटन इज़ नॉट. कॉटन बेसिकली खरीफ सीजन में उगाई जाती है, खरीफ सीजन में इसका कल्टीवेशन किया जाता है. और सारी ये चिकपी हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर, वीट, ये सारी हमारी रबी सीजन की क्रॉप्स हैं. रबी सीजन में सोइंग कब की जाती है? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर आप बोल सकते हो. ठीक है, और हार्वेस्टिंग की जाती है मार्च अप्रैल के टाइम पे. दैट इज़ लाइक मोटा मोटा सा, वैसे
अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप्स की कौन सी क्रॉप है उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कब सोइंग करनी चाहिए, कब किसकी मतलब ड्यूरेशन देखेंगे ना कि किसका कितना ड्यूरेशन है, उसके बेसिस पे हम सोइंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द आई फोम। आई फोम एक आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। देखिए आपका जो सिलेबस आपने अगर देखा होगा तो उसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अलग से मैंशनड है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर नहीं दिया गया है। फुल फॉर्म नहीं दिया गया है क्यों? क्योंकि आपसे पूछा ही ये गया है कि जो आई फोम है इसमें एफ का फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन भी नाबार्ड पूछता है, क्योंकि आपने एक बार देखा होगा गोवर्धन का क्वेश्चन आ रखा था, स्कीम से आ रखा था ना, तो गोवर्धन में पूछा गया था आपसे आर का फुल फॉर्म। ठीक है, सो इसलिए उसके बेसिस पे मैंने सोचा कि ठीक है आई फोम का भी आपसे पूछ सकते हैं फुल फॉर्म, है ना। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर 13th का, फटाफट से बताओ मुझे। सी सी सी, ठीक है, फेडरेशन। यस इट इज इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। अच्छा आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। 117 कंट्रीज का ये क्या है, आप बोल सकते हो इसमें 117 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को अब वो क्या बोलते हैं प्रमोशन करती हैं। ठीक है, प्रमोट करती हैं। यस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बॉन लोकेटेड, यस इट इज बॉन, जर्मनी में। ठीक है, बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, दैट इज एट विच स्टेज ऑफ सॉइल मॉइस्चर इज वाटर हेल्ड टू टाइटली एंड कैन मोस्टली मूव ओनली इन द वेपर फेज। मतलब वैसे जो वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल में वो लिक्विड फेज में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये वाली कौन सी कंडीशन है जिसमें वेपर फेज में है, और वेपर फेज के साथ ही जो हमारा जो सॉइल है उस पार्टिकल के आसपास है, मतलब टाइटली अटैच्ड है इससे। अब क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही एक क्वेश्चन आ रखा था, फील्ड कैपेसिटी पे आ रखा था लास्ट टाइम क्वेश्चंस, फील्ड कैपेसिटी पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ऐसी कंडीशन जब मैक्रोपोर्स से सारा वाटर निकल जाता है, माइक्रोपोर्स में ही वाटर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो भी ग्रेविटेशनल वाटर है वो नीचे चला जाता है, लेकिन सिर्फ माइक्रोपोर्स में वाटर अवेलेबल रहता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? सो इट वॉज फील्ड कैपेसिटी। इसका क्या आंसर होगा, ये भी एक क्वेश्चन आ रखा था लास्ट ईयर आ रखा था ये। ऑलराइट, 14 का सी डी, सी डी कंफ्यूज्ड है मतलब। ओके ठीक है, सो इट इज बेसिकली द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट और हाइग्रोस्कोपिक वाटर आप बोल सकते हो। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट जहाँ पर अगर आप फर्दर इरिगेशन नहीं दोगे फील्ड में, देखो अलग अलग सिचुएशन होती है, आपको मैं एक बार क्विकली आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, सो एक कंडीशन होती है पहले, अगर बारिश हुई बहुत तेज़ या फिर आपने इरिगेशन दिया, सो जितने भी माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स हैं, पोर्स क्या होते हैं, देखो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं ना, तो एकदम वो बहुत पास नहीं चिपके रहते, उसमें बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेसेस होता है। अब ये स्पेसेस या पोर्स ही जो हैं वो माइक्रोपोर्स होते हैं और कुछ मैक्रोपोर्स होते हैं, बड़े और छोटे छेद। ठीक है, तो उनमें जब आप बहुत सारा पानी एक साथ डालोगे तो फिर सैचुरेटेड कंडीशन आएगी ना, मतलब ये सारे भर गए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंडीशन। फिर क्या होता है, अराउंड आप एक से दो दिन बोल सकते हो, दैट इज़ 24 to 48 hours के बाद क्या होता है, जो भी इसमें इनके बीच में पानी भरा होता है, मैक्रोपोर्स के बीच में जो भी वाटर भरा रहता है, वो ड्यू टू ग्रेविटी का फोर्स नीचे चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, जो नीचे चला गया। ठीक है, नीचे पर्कुलेट हो गया, तो फिर क्या, फिर जितना पानी बचा होता है माइक्रोपोर्स में, दैट इज़ द फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी के बाद भी अगर फर्दर आपने इरिगेशन नहीं दिया या फिर आपने फर्दर रेनफॉल नहीं हुई, तो और ज़्यादा पानी का कंटेंट, वाटर कंटेंट और नीचे आ जाएगा, और हम उसको कहेंगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बियॉन्ड अगर हमने वाटर का सप्लाई नहीं दिया प्लांट्स को या फिर सॉइल को, तो क्या होगा, जो भी हमारा प्लांट है वहाँ पर वो विल्ट होने लगेगा, विल्ट मतलब कि मुरझाने लगेगा,
और अगर नहीं दिया बिल्कुल उसके बाद तो वो मर भी सकता है. तो दैट इज़ द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. इसमें अगर हम प्रेशर देख लें कि 0.33 बार का प्रेशर इसमें होता है फील्ड कैपेसिटी में, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में हमारा होता है -15 बार का प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स एज इट ड्रेन्स आउट इन द सॉइल इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. तो अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल वाटर, जो ग्रेविटी के फोर्स से नीचे चला जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद, ठीक है? ये तो आप जल्दी से बता ही दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन ऑफ वीट. वीट में देखो जो भी हमारे अलग अलग फील्ड क्रॉप्स हैं ना, उनमें कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं. अगर आप वहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं करते हो, फिर इरीगेशन नहीं देते हो, तो जो आप बोल सकते हो ऑप्टिमम यील्ड है किसी भी प्लांट की या फिर किसी भी क्रॉप की, वो यील्ड नीचे चली जाती है, क्योंकि एट दैट टाइम ही इसको सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है, ओके, ऑल राइट. सो कृष्णा घोष ने कहा है CRI 16 का बी, 16 का बी बी, क्राउन रूट इनिशिएशन. यस, यू ऑल आर करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज जिसे कहते हैं. वैसे वीट में होती है 6 स्टेजेस, ठीक है, 6 स्टेजेस. कैसे आप याद रखोगे? सी आप बोल सकते हो, फिर लेट सॉरी टेलरिंग आती है, फिर लेट जॉइंटिंग, CTL और FMD. CTL FMD करके आप याद कर सकते हो. क्या है? CRI स्टेज, फिर नेक्स्ट है हमारी टिलरिंग स्टेज, जब टिलर्स निकलते हैं. देन वी हैव द लेट जॉइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज और डो स्टेज. सारी ही क्रिटिकल होती है, लेकिन इन सब में से ज़्यादा क्रिटिकल होती है CRI स्टेज. क्यों CRI स्टेज क्रिटिकल होती है? क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे जो भी आपका प्लांट है उसमें से ना नई रूट्स निकल रही होती हैं. एक तो होती है सेमिनल रूट्स, जो कि निकलती हैं जब जर्मिनेशन होता है. किसी भी सीड में जर्मिनेशन होता है तो पहले उसकी रूट्स निकलती हैं, फिर उसका शूट निकलता है. तो वो वाले जो रूट्स निकलती हैं, दैट इज़ द सेमिनल रूट. लेकिन ये क्या होती है? टेम्प्रेरी रूट्स होती हैं, जो थोड़े टाइम बाद डीजनरेट हो जाती हैं. ठीक है, तो जब ये डीजनरेट होती हैं, उसी के टाइम पे हमारी दूसरी रूट्स, दैट इज़ द क्राउन रूट्स निकलती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट. तो नीचे वाला जो नोड होता है प्लांट में, वहाँ से क्राउन रूट्स निकलती हैं, और ये क्राउन रूट्स ही बाद में जाके आप बोल सकते हो प्लांट को पूरे हेल्प करती हैं. कोई भी वाटर का अपटेक करना है या फिर कोई भी मिनरल्स का अपटेक करना है, इसीलिए CRI स्टेज पे वाटर देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप नहीं दिया तो आपका जो रूट्स हैं वो डेवलप नहीं होंगे. रूट नहीं डेवलप होंगे तो फिर प्लांट हमारा डेवलप नहीं हो पाएगा ठीक से. ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज ऑल्सो ईजियर क्वेश्चन, दैट इज द पल्सेज लाइक मूंग बीन, उर्द बीन, चिक पी एक्सेट्रा, पल्सेज कौन सी फैमिली को बिलोंग करती हैं? तो ये भी आपने जब रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप पढ़ा होगा या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ा होगा, सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट. कौन से मतलब जितनी भी हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं वो सारी पोएसी फैमिली को बिलोंग करती हैं. जितने भी हमारी पल्सेज हैं वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करती हैं? क्विकली बताइए. चलो एक्सप्लेनेशन कम करेंगे हम, क्वेश्चंस ज़्यादा डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेग्यूम्स. यस, इट्स लेग्यूमिनेसी फैमिली. ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. तो जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं, जितनी भी हमारी पल्सेस हैं, पल्सेस में क्या होता है? नोड्यूल फॉर्मेशन होते हैं. इनका जो रूट्स हैं उनमें नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है. नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और ये फिक्स करते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, उसमें फिक्स करते हैं नाइट्रोजन. अच्छा, एक कोई प्लांट है अमॉन्ग दीज ये जो पल्सेस हैं इन्हीं में से, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता. मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता, कौन सा ऐसा पल्स क्रॉप है? यस, एनीवन नोज दैट? क्विकली आप आंसर दो ना, वरना हम आगे बढ़ेंगे, मैं ही आंसर दे देती हूँ फिर. यस, एनीवन? राजमा. यस, श्री केतम का आंसर आ गया, दैट इज राजमा. क्यों नहीं होता इसमें? क्योंकि राजमा में क्या होता है, नोड्यूल्स फॉर्मेशन होता है इसमें, लेकिन नोड्यूल्स रीजनरेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो वो इफेक्टिव आप बोल सकते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता.
ठीक है, दैट इज वन एक्सेप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज व्हाट डज लीचिंग रेफर टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वाटर मूवमेंट इन सॉइल. सो वाटर मूवमेंट इन सॉइल अलग अलग तरह से होता है ना. अब मैं साइड हो जाती हूँ क्योंकि आपको ऑप्शंस पढ़ने होंगे सारे, तो आप ऑप्शंस पढ़ो और फिर आंसर करो. अलग अलग लीच वाटर मूवमेंट होते हैं, जैसे कि पर्कुलेशन होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है, लीचिंग होता है, सीपेज होता है. ठीक है, आई एम एक्सप्लेन द ऑप्शंस, दे वुड बी यूजफुल. ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट, पर हम चाहते हैं कि जल्दी भी हो सेशन, इसलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन इतना नहीं कर रही थी. आई कैन एक्सप्लेन यू द ऑप्शंस एज वेल. ठीक है, ओके, यस करेक्ट, दैट इज द सी. वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल पोर्स अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स. सो सिंपल, अगर वर्टिकल मूवमेंट होगा वाटर का, तो उसको हम पहले क्या कहते हैं, पहले जब वो एंट्री करेगा ना, एट द टाइम ऑफ एंट्री इट इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन. जब सिर्फ एंट्री करता है वाटर इनटू द सॉइल, दैट इज कॉल्ड द इनफिल्ट्रेशन. फर्दर वो मूवमेंट करता है थ्रू द सॉइल प्रोफाइल्स, तो फिर उसको क्या कहा जाता है, परकोलेशन. ठीक है, और ऑप्शंस भी देख लेते हैं. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल्स, या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी अगर हो रहा हो तो उसको हम सीपेज कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल्स. देख, इसको अगर मैं हटा दूँ अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल्स, सिर्फ अगर मैं बोलूँ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल सरफेस, अपवर्ड मूवमेंट कैसे होती है, थ्रू द कैपिलरीज. देखो सॉइल में भी ना कैपिलरी आपने देखी होगी, साइंस की लैब में आपने कभी एक्सपेरिमेंट करा होगा, तो कैपिलरीज होती है ना छोटी छोटी, जिनमें थिन क्यूब्स होती हैं. तो सॉइल में भी जो माइक्रोपोर्स होते हैं या पोर्स जब बने होते हैं, तो उनमें उनसे भी क्या है, कैपिलरी बन जाती है, और वो कैपिलरी के थ्रू ही जो वाटर टेबल में पानी होता है वो ऊपर आता है. ठीक है, सो अपवर्ड मूवमेंट को हम बोलेंगे कैपिलरी एक्शन, आप बोल सकते हो इसको एक कैपिलरी मूवमेंट बोल सकते हो. ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू, ये तो हो गया ना. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लांट रूट्स अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स. प्लांट रूट्स के अंदर तो ट्रांसलोकेशन होगा वाटर का थ्रू द ज़ाइलम. ठीक है, नन ऑफ द अबव इज नन ऑफ द अबव. ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली. कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है. रजिस्टर्ड सीड का पर्पल कलर टैग होता है कि नहीं, ब्रीडर सीड में गोल्डन येलो, सर्टिफाइड सीड में ग्रीन कलर टैग, फाउंडेशन सीड में वाइट कलर, या फिर ऑल आर करेक्ट. सारे करेक्ट हैं या फिर उसमें से कोई गलत है. ओके, सो क्विकली आंसर 19th का. साक्षी सिंह सर्टिफाइड, कृष्णा सी. उसके साथ ही आंसर भी लिख दो कि अगर गलत है तो फिर गलत क्यों है, क्या करेक्ट आंसर होगा. यस, सर्टिफाइड सीड पे क्या कलर होता है, दैट इज द एज़ोर ब्लू कलर. ऑलराइट, और ग्रीन कलर किस में होता है, अच्छा ओपल ग्रीन कलर होता है, दैट इज इन ट्रूथफुली लेबल्ड सीड, लेबल्ड सीड्स. ठीक है, बाकी सारे करेक्ट है. रजिस्टर्ड सीड में पर्पल कलर होता है, ब्रीडर सीड में गोल्डन येलो कलर होता है, फाउंडेशन सीड का कलर वाइट कलर का टैग उसमें होता है. नेक्स्ट पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इज सीड्स विच कैन नॉट बी सक्सेसफुली स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स आर नोन एज. सो देखो, किसी भी सीड में ना वायबिलिटी होनी ज़रूरी है. वायबिलिटी मतलब कि वो लिविंग होना चाहिए, उसके अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है वो लिवेबल होना चाहिए. अब बहुत बार होता है कि सीड में डॉर्मेंसी हो जाती है. डॉर्मेंसी क्या होता है, जब ये किसी वजह से, आप बोल सकते हो क्योंकि उसका सीड कोट हार्ड है इसी वजह से, या फिर जो फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं करता. लेकिन जो डॉर्मेंट सीड होता है वो वायबल सीड होता है, मतलब वो लिविंग होता है, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो प्रेजेंट है, वो अभी लिविंग है. वेयर एज हमारे कुछ सीड्स होते हैं जो डेड सीड्स होते हैं, उनमें एम्ब्रियो नहीं प्रेजेंट होता. ठीक है, या एम्ब्रियो डेड हो जाता है. तो ऐसी कौन सी सीड्स हैं जिनको ना बिल्कुल तोड़ के सीधे सोइंग करनी चाहिए, उनकी बहुत टाइम तक हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते.
सके तो नागा ने बोला है दैट इज रिकैल्सिट्रेंट, अंकिता इज ए सेइंग ए, यस करेक्ट आंसर इज रिकैल्सिट्रेंट सीड्स, और जिनको स्टोर करके रख सकते हैं दोज आर दी ऑर्थोडॉक्स सीड्स। ठीक है, हाइब्रिड सीड्स तो आपको पता ही है, F1 जो प्रजनी होती है डिस्टिंगली पेरेंट्स को क्रॉस करके जो बनती है F1 प्रोजेनी, दैट इज द हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्ट ऑफ पैडी प्लांट। पैडी प्लांट क्या होता है? राइस होता है। अच्छा, राइस और पैडी में डिफरेंस क्या होता है? एनीवन नोज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ, तो पैडी और राइस में डिफरेंस मैं आपको बता रही थी। तो पैडी क्या होता है? जब धान बोलते हैं ना, जिसको जिसको हम डायरेक्टली निकालते हैं फील्ड से और उसके ऊपर हस्क ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ धान या फिर पैडी। जब इस हस्क को हम निकाल देते हैं, डी हस्किंग जब कर लेते हैं, डी हलिंग आप बोल सकते हो कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास बचता है बीज का कर्नल, बस जो वाइट राइस आप खाते हो ना, दैट इज़ द बीज का कर्नल। यस, नॉन हस्क्ड राइस इज राइस। ठीक है, हाँ, ठीक है। सो क्वेश्चन का आंसर भी दे दो इसके साथ ही। शूट फ्लाइज इन सॉर्गम, यस, आफ्टर हर्लिंग पैडी इज कन्वर्टेड इन टू राइस, करेक्ट। यस, तो शूट फ्लाई नहीं होगा, शूट फ्लाई किसका होता है? सॉर्गम शूट फ्लाई होता है। बाकी ब्राउन, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? इज इट ऑडिबल? आई गेस थोड़ा डिस्कनेक्ट हो चुका है। जस्ट अ सेकेंड, सो इफ आई एम ऑडिबल टू एवरी वन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, ऑल राइट। सो हाँ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे। दैट इज द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू सप्लीमेंट द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप। सो ऐसी क्रॉप्स को हम ऑगमेंट क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जो खुद तो ग्रो करती हैं, उसके साथ साथ जो इनके साथ मेन क्रॉप हम ग्रो करते हैं, तो ये सप्लीमेंट्री क्रॉप्स होती हैं। ये मेन क्रॉप की ग्रोथ को क्या है? इंक्रीज़ कर देंगे, या फिर आप बोल सकते हो यील्ड को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, और जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सी, एक होता है कैच क्रॉप या फिर इसको कंटेंजेंट क्रॉप, ये दोनों सिनोनिमस वर्ड्स ही हैं। ठीक है, सो कैच क्रॉप्स या कंटेंजेंट क्रॉप्स वो वाली क्रॉप्स होती हैं जब भी कोई हमारा जो फार्मर है, अगर उसकी कोई क्रॉप, उसने मेन जो लगा रखी थी वो फेल हो गई किसी वजह से, इट कैन बी ड्यू टू द फ्लड, इट कैन बी ड्यू टू द ड्रॉट कंडीशंस, किसी भी कंडीशन से, या फिर बहुत ज़्यादा पेस्ट आ गया, उस वजह से मेन क्रॉप अगर फेल हो गई है तो वो बचा हुआ जो सीज़न है, पूरे सीज़न अभी गया नहीं है, आधे सीज़न में ही क्रॉप फेल हो गई, तो जो बचा हुआ सीज़न है उस सीज़न में वो कोई ऐसी क्रॉप लगाएगा जिसका ड्यूरेशन छोटा होगा। तो ऐसी क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? कैच क्रॉप्स। इसमें कोई भी छोटी ड्यूरेशन की, जैसे तोरिया क्रॉप होती है ना, अराउंड 60 to 90 days में ये मेच्योर हो जाती है, तो ऐसी हम क्रॉप इसमें लगाते हैं। स्मॉदर क्रॉप्स क्या होता है? स्मॉदर क्रॉप्स होती हैं जो क्रॉप्स बहुत फास्ट ग्रोइंग होती है, फास्ट ग्रो करके ग्राउंड को कवर कर लेती हैं, सो दैट वीड्स कैन नॉट ग्रो। सो वीड्स होती है ना हमारी, कुछ क्रॉप्स नहीं, आप बोल सकते हो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अनडिज़ायरेबल होते हैं, उन प्लांट्स को हम अपनी जो मेन क्रॉप है उसमें, उसके बीच में ग्रो नहीं करने देंगे, और इसके लिए हम क्या लगाएंगे? स्मॉदर क्रॉप्स लगाएंगे। ठीक है, इसमें अल्फा अल्फा वगैरह आता है। ठीक है, अल्फा अल्फा आप बोल सकते हो। नेक्स्ट इज द एले क्रॉप्स। एले क्रॉप्स हम जो साइड में क्रॉप्स लगाते हैं, मतलब आप बोल सकते हो जो मेन फील्ड है वहाँ पर कोई हमने कोई भी
क्रॉप लगा रखी है, कोई भी एनुअल क्रॉप लगा रखी है, और साइड साइड में हमने ट्रीज अगर लगा रखे हैं, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज दी एलए क्रॉप्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन इंडियन रीजन इज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स. कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं इंडिया में. सुपरसीडिंग वीड्स, यस. बफरिंग, आई होप अपने ही हो रही है बफरिंग, अभी क्लियर है. ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, चलो फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन इंडिया रीजन कितने, मतलब इंडियन जो पूरा रीजन है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है. इट इज़ 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स. इसके अलावा 20 हमारे क्या है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन. बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो भी जीन होता है, हम एक क्रॉप का जीन दूसरे क्रॉप में डाल देते हैं. ठीक है, फिर एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिजम्स में हम डाल लेते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन करके. सो दैट इज़ द बायो फोर्टिफिकेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द, आप बोल सकते हो कि उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट इंक्रीज करने के लिए हम बायो फोर्टिफिकेशन करते हैं. सो इसी बायो फोर्टिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ द गोल्डन राइस. गोल्डन राइस में क्या इंक्रीज होता है, क्या रिच फॉर्म में होता है. 24 का सी, विटामिन ए. विटामिन ए, यस. सो बेसिकली ना बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, एंड बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए. तो इसलिए विटामिन ए का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है. और ये क्यों लाया गया था इंडिया में, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि इंडिया में आपने देखा होगा माल न्यूट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम है, तो उस फूड सिक्योरिटी तो हम हो गए हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योर नेशन होने के लिए वी नीड टू इंक्रीज, जो भी हमारा स्टेपल फूड है उसी में हम इंक्रीज करते हैं ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स के, जिससे डिफिशेंसी डिजीज ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू 25, रीले इंटरक्रॉपिंग है, और मैं बहुत साइड हो चुकी हूँ अब ताकि आपको सारे ऑप्शन दिखाई दें. ठीक है, तो फटाफट से इसका भी आंसर दे दो. 25th का रिले इंटरक्रॉपिंग किस वजह से होती, मतलब सॉरी किस वजह से नहीं. ओके, ओवरलैपिंग क्रॉप्स, यस. ओवरलैपिंग क्रॉप्स हम इसको कहते हैं. क्या होता है रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग होती है जब हम सेकेंड क्रॉप, फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा. ए दिया ना आंसर सबने, किसी ने गलत तो नहीं दिया. ऑलराइट, सो 25th का ए है, ए सिस्टम इन विच द सेकेंड क्रॉप इज प्लांटेड. सो ऑलरेडी हमारी ये क्रॉप लगी हुई है, उसके उसको हार्वेस्ट करने से पहले ही हम दूसरी क्रॉप की सोइंग कर देते हैं, दैट इज द रीले क्रॉपिंग. और हम ऑप्शन देख लेते हैं. द कल्टिवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स एट द सेम टाइम ऑन द सेम फील्ड इज नोन एज द मिक्स क्रॉपिंग. ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था. अगर उसमें इंटर मतलब रोज में अगर नहीं लगा रखी है क्रॉप्स तो इट विल बी मिक्स्ड क्रॉपिंग, रोज में लगा रखी है तो इंटर क्रॉपिंग है. नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रोइंग ऑफ सिंगल क्रॉप ऑन द सेम लैंड फॉर ईयर आफ्टर ईयर, दिस इज मोनोक्रॉपिंग. ठीक है, मोनोक्रॉपिंग इसको कहते हैं. ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन सीक्वेंस ऑन द सेम फील्ड इन अ फार्मिंग ईयर. सो ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आ रखा था सिक्वेंशियल क्रॉपिंग का. ठीक है, तो डेफिनेशन ऐसे ही पूरा जो क्वेश्चन है उसमें डेफिनेशन दे रखी थी, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना था कि किस टाइप की क्रॉपिंग है. सीक्वेंशियल क्रॉपिंग उसका आंसर था ना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 इज दिस रीजन कंप्राइजेस सदर्न पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू एंड द डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र एंड कंटेन्स द रेगुर ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल किस वाले रीजन में आप बोल सकते हो कि कौन सा एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है जिसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है. ओके, सो फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए. आई गॉट डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन कि मुझे आपके अभी आंसर्स देख नहीं रहे हैं, बट आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा इसका करेक्ट. सो डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो होते हैं इंडिया के, उस कितने 15 अभी पढ़ाया था ना, 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं
ए बी बी ए बी ओके वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स यस ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में ठीक है वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में ही हमारा देखो अभी मैं नेक्स्ट दिखा देती हूँ आपको कि ये वाला है नाइन्थ वाला पोर्शन दिस इज योर वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स यहाँ पर आपका महाराष्ट्र वाला एरिया मेनली आता है ये आपका गुजरात है गुजरात वाला जो एरिया दैट इज़ फेमस फॉर ऑयल सीड रीजन है इसको कहा जाता है ठीक है ऑयल सीड रीजन है ये यहाँ पर ऑयल सीड्स का कल्टिवेशन ज़्यादा किया जाता है ये वाला आपका जो एरिया है यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल होती है और इसलिए यहाँ पर कॉटन का भी कल्टिवेशन ज़्यादा किया जाता है वैसे कॉटन का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है दैट इज़ फ्रॉम गुजरात ठीक है गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है एरिया वेयर एज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है कॉटन का अगर हम देखें ठीक है इसके अलावा और सारे 15 ये पूरे आप बोल सकते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं इधर वाला जो है ये दैट इज़ द आइलैंड रीजन जिसमें लक्षद्वीप आयरलैंड और अंडमान निकोबार इधर वाला पोर्शन भी यहाँ पर भी आइलैंड है वो भी सारे आते हैं और आइलैंड वाला जो एरिया है वहाँ पर मोस्टली प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो की जाती है प्लांटेशन क्रॉप्स में आ गया हमारे कोकोनट कैशूनट वैसे ये जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर भी प्लांटेशन क्रॉप्स जनरली ग्रो की जाती हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 27th क्वेश्चन है ऑल फिनोमेना ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट टेक्स प्लेस इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर सो अब हम क्रॉप प्रोडक्शन से आ गए हैं मेट्रोलॉजी में ठीक है सो मेट्रोलॉजी में अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर की कौन सी अलग अलग लेयर्स होती है ना उसमें से कौन सी लेयर है जिसमें कि सारे वेदर फिनोमिना क्या क्या हो गए हमारे रेनफॉल हो गई लाइटनिंग हो गई क्लाउड फॉर्मेशन हो गई ये सब किस में होता है यस ओके गुजरात प्रोडक्शन ऑल राइट ठीक है तो फिर ऑल सारे जो ये फिनोमिना होते हैं वो होते हैं ट्रोपोस्फेयर में एंड ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर ठीक है 8 to 18 किलोमीटर हाइट तक ये होती है नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रेटोस्फेयर जो अराउंड 50 किलोमीटर तक होती है तो उसके बाद आती है हमारी एग्जोस्फेयर आती है और फिर लास्ट में थर्मोस्फेयर आता है ठीक है आयनोस्फेयर जो है वो एक पार्ट होता है आप बोल सकते हो मीजोस्फेयर और मीजोस्फेयर और एग्जोस्फेयर के बीच में यहीं पर आता है आयनोस्फेयर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 सेज विच टाइप ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व्स द क्लियरिंग ऑफ ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड बाय बर्निंग कल्टीवेटिंग फॉर अ लिमिटेड पीरियड एंड देन अबैंडनिंग द लैंड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स किस में ये किया जाता है सो क्विकली यू कैन क्वेश्चन नंबर 28 का किस टाइप की ये फार्मिंग होती है ऑलराइट सो दिस इज बेसिकली द शिफ्टिंग कल्टिवेशन शिफ्टिंग कल्टिवेशन मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में क्या होता है एक लैंड एरिया लेते हैं हम उसको क्लियर कर देते हैं वहाँ पर जितनी भी ट्रीज वगैरह होती हैं उनको क्लियर कर दिया जाता है फिर यहाँ पर दैट लैंड इज़ यूटिलाइज फर्दर फॉर कल्टिवेशन पर्पजेज मतलब कि वहाँ पर कोई भी जो हमारी एनुअल क्रॉप्स हैं उनका कल्टिवेशन किया जाता है एंड देन वेन इट लूजेज फर्टिलिटी आफ्टर 2 to 3 years तो ये लोग नोमैडिक पीपल जो होते हैं जनरली ये दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और इट इज़ आल्सो नोन एज दी झूम कल्टीवेशन ऑलराइट बाकी एरोपोनिक्स क्या होता है एरोपोनिक्स इज़ अ टाइप ऑफ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स जिसमें हम एयर में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं और इसमें आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है ऑन द रूट्स
ठीक है. सो दैट इज़ एरोपोनिक्स. जियोपोनिक्स मतलब कि लैंड पे ग्रो करना, तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर किया जाता है वही जियोपोनिक्स. सस्टेनेबल फार्मिंग मैंने आपको बता दिया था, मिक्स फार्मिंग भी ऑलरेडी वी हैड स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 इज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन. इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर पोर्शन ऑफ. सो कौन सी, देखो अलग अलग जो हमारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में, उनमें से कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है? हमारी ओजोन की लेयर, ओजोनोस्फेयर भी आप इसे बोल सकते हो. ओजोनोस्फेयर किस एक लेयर का ही पार्ट है या स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं? यस, स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है. ऑल राइट. स्ट्रेटोस्फेयर, या करेक्ट, स्ट्रेटोस्फेयर में जो कि अराउंड 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, ठीक है. और अच्छा, कैसे इसको हम डिवाइड करते हैं कि कौन सा ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर? बेसिक जो इसका आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, दैट इज़ द टेम्परेचर का वेरिएशन. जो ट्रोपोस्फेयर है, जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं, एज द हाइट इंक्रीजेज द टेम्परेचर कम्स डाउन, ठीक है. वेयर इज जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें ऑपोजिट होता है, जैसे हाइट इंक्रीज होती है, जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है. ऐसे फर्दर जो आगे के हमारे दो आप बोल सकते हो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उनमें भी ऑल्टरनेटिवली ऐसा होता है, ठीक है. तो ये जो ओजोन है, ओजोन की लेयर अराउंड 20 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली इसकी अलग से लेयर प्रेजेंट होती है, बट आप बोल सकते हो कि ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स हाइट पे पाए जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट काइंड ऑफ फॉर्म्स अ लेयर एंड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवीबी रेडिएशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट. सॉइल मॉइस्चर टेंशन किस से हम मेजर करते हैं, किस इक्विपमेंट से या किस टूल से? टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट. यस, यू आर करेक्ट शुभम. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल मॉइस्चर टेंशन किस से? हाँ, ये तो ऑलरेडी मैंने पढ़ दिया, चलो फटाफट से आंसर दो इसका. क्या है आंसर इसका? टेंशियोमीटर. यस, टेंशियोमीटर यूज किया जाता है. टेंशियोमीटर में जो नीचे, अगर आपने इसका अपने टूल अगर ये देखा होगा तो नीचे से इसमें सेरेमिक कप प्रेजेंट होता है एक यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इसका मीटर प्रेजेंट होता है. नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, इसे ऐसे बनाया मैंने. टेंशियोमीटर टेंशन, सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेजर करता है. देन वी हैव द एनेमोमीटर. एनेमोमीटर विंड की वेलोसिटी मेजर करता है, ठीक है. बैरोमीटर एयर का प्रेशर. देन लक्स मीटर लाइट की इंटेंसिटी. मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ऑल्टीमीटर क्या करता है? एल्टीट्यूड, दैट इज हाइट मेजर करता है, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन पे. दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर. नाउ हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि हॉर्टिकल्चर की कौन सी ऐसी ब्रांच है जो कि फ्रूट्स का कल्टिवेशन, उनका स्टोरेज, उनका प्रिजर्वेशन, हार्वेस्टिंग, उससे डील करती है. फ्रूट्स के लिए हमारे पास क्या होता है? What do we study for that? That is, okay, B आ गया है आंसर मेरे पास. करेक्ट, B. That is the pomology, ठीक है. ओलेरिकल्चर में सारी वेजिटेबल क्रॉप्स आती हैं. देन एंटोमोलॉजी, अब हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट्स होता है. पैथोलॉजी में डिजीजेस पढ़ते हैं और फ्लोरिकल्चर में हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी फटाफट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है. 32 क्वेश्चन नंबर, विच वेराइटी ऑफ मैंगो इज मोस्ट सूटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग? HDP. हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब कि स्पेसिंग हम कम रखेंगे. तो जहाँ कन्वेंशनल फार्मिंग में हम स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम स्पेसिंग कम रखते हैं. तो इसमें हमें चाहिए होते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो कि जिनकी हाइट कम हो, जिनका आप बोल सकते हो पूरा फोलियर क्या फैलाना फोलियर एरिया जो वो एक्वायर करते हैं वो कम हो, ठीक है. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो हमारी वैरायटी सूटेबल होती है, दैट इज़ द आम्रपाली, ठीक है. और आम्रपाली किसका क्रॉस है? DNA, याद रखते हैं इसको. दशहरी इंटू नीलम इक्वल्स टू आम्रपाली,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस ही आया था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में है ही, कि आम्रपाली किसका क्रॉस है, या फिर क्रॉस आपको दे दिया जाएगा कि नीलम इंटू दशहरी, या फिर दशहरी इंटू नीलम, क्या बनाता है हमारा आम्रपाली। अच्छा, नीलम इंटू दशहरी क्या होता है? यस, 2.5 इंटू 2.5 मीटर की स्पेसिंग में आता है, करे हाई डेंसिटी प्लांटिंग जब हम करते हैं। नीलम इंटू दशहरी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि नीलम इंटू दशहरी क्या बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, उसका भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो तब तक। लीची इज कमर्शली प्रोपिगेटेड बाय, सो प्रोपिगेशन के मेथड लास्ट ईयर आया था, कोकोनट किससे प्रोपिगेशन किया जाता है, कोकोनट के लिए कमर्शियली क्या हम यूज़ करते हैं। लीची को कैसे करते हैं? यस, हरिदास एंड शुभांग त्यागी है सेड मालिका, करेक्ट। एन डी एम याद रख सकते हो आप, एन डी एम, नीलम इंटू दशहरी गिव्स यू मल्लिका, ठीक है, डी एन ए और एन डी एम, ये याद रखना। अच्छा, इसका क्रॉस ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, पहले फीमेल आता है फिर मेल आता है, जिसका फीमेल पोर्शन लिया होगा और फिर उसका जिसका मेल पोर्शन, सो क्रॉस हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, उल्टा नहीं कर सकते इसको, ठीक है। वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग मैंगो में यस की जाती है, एयर लेयरिंग, लीची में क्या करते हैं हम, एयर लेयरिंग इज यूज्ड, ठीक है। वीनियर ग्राफ्टिंग, अभी आगे क्वेश्चन आएगा इसका। हार्डवुड कटिंग ग्रेप्स, इनार्चिंग और स्टूलिंग, स्टूलिंग किस में करते हैं, स्टूलिंग इज बेसिकली यूज्ड इन गुआवा, ठीक है, और इसको क्या और कहा जाता है, स्टूलिंग को माउंड लेयरिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स एंड द नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स जो कि जब हम उनको अगर लेमन लैंग्वेज में कहें या सिंपल लैंग्वेज में कहें, जब उनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है उसके बाद भी उनमें राइपनिंग की प्रोसेस होती है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आर द वंस जिनमें राइपनिंग की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट, सो क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा नहीं है, इसमें से ग्रेप्स नहीं है और सारे क्लाइमेट्रिक फ्रूट हैं, इवन एप्पल इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एप्पल क्लाइमेट्रिक है कि नहीं, एप्पल इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ये तोड़ने के बाद ये पकता है, ठीक है, मैंगो बनाना पपाया और सारे क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35, डी इनेबलिंग द रिमूवल ऑफ मेल वर्ड, अब ये वाला शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फॉर नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, बट जैसे आपने ट्रेंड देखा है कि कभी कभी वो बहुत कोर वाले क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, तो जस्ट इन केस इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द आंसर, सो आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर आप देखो नेगेटिव मार्किंग है तो फिर वाई टू लूज़ योर मार्क्स, है ना, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप सिंपली उसको स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आंसर इट, ठीक है। शुभम त्यागी ने आंसर दिया है बनाना, तरुण ने आंसर दिया है ओके, नीलेश, रोजा, सौरव, हरिदास, करेक्ट, आंसर इज बनाना। बनाना में बेसिकली देखो बनाना का जो फ्रूट होता है आपने देखा होगा, आगे मेल पोर्शन होता है उसका जो ऐसे एनक्लोज्ड वाला होता है आगे से, और यहाँ पर साइड में बनानाज लगे रहते हैं, ठीक है। सो इस ये मेल वाला जो पोर्शन है इसको निकाल दिया जाता है, और इस निकालने की प्रोसेस को हम डीनेवलिंग कहते हैं, ठीक है। और बाकी टोबैको में एक अच्छी जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज़ द क्योरिंग, टी में भी की जाती है क्योरिंग, टी और टोबैको दोनों में ही क्योरिंग की जाती है। कॉटन में आप बोल सकते हो गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें सीड से रिमूव कर देते हैं, खेत सीड से रिमूव, तो डी लिंटिंग होता है जब हम रिमूव करके उसको थ्रेड बनाने लगते हैं, तो दैट इज़ द गिनिंग प्रोसेस, ठीक है। एप्पल में आई डोंट रिमेम्बर ऐसी कोई टर्म नहीं होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 36, दैट इज हेन एंड चिकन डिजीज इन ग्रेव्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी देखो हॉर्टिकल्चर में तो इम्पॉर्टेंट यही होते हैं, तो साइंटिफिक नेम्स तो आजकल पूछने लग गए हैं उसमें,
पिछली बार वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें साइंटिफिक नेम पूछा था एप्पल का, और एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है उसमें प्लांट प्रोपगेशन के मेथड्स, कौन सा कमर्शियल मेथड है, और जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं. ठीक है, यस, बोरॉन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है, बोरॉन से होता है हैन एंड चिकन डिजीज. हैन एंड चिकन डिजीज में क्या होता है, कुछ ग्रेप्स के जो आप बोल सकते हो फ्रूट है, कुछ छोटे हो जाते हैं कुछ बड़े हो जाते हैं, तो अलग अलग साइज के होते हैं, दैट इज द हैन एंड चिकन डिजीज. मैंगो इज कमर्शियली प्रोपगेटेड बाय, सो मैंगो को कमर्शियली कैसे प्रोपगेट किया जाता है, दिस इज ईजियर वन. तो कोकोनट का आया था, क्या पता इस बार मैंगो का क्वेश्चन पूछा जाए. ठीक है, 37 का सी. ओके, यस इट इज करेक्ट. वीनियर ग्राफ्टिंग भी नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में की जाती है. साउथ इंडियन कंडीशंस में कौन सा मेथड किया जाता है, इनार्चिंग का मेथड. ठीक है, इसके अलावा इसमें एपिकोडाइल बडिंग भी यूज की जाती है मैंगो में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन इज 38, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग हाईएस्ट मिल्क यील्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड. सो पहले तो हमारी जो ब्रीड्स होती हैं वो ही हमारी अलग अलग टाइप की होती हैं, ड्रॉट ब्रीड्स होती हैं जो कि काम करने के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, जो उनकी फीमेल्स होती हैं वो इतना अच्छा लैक्टेशन प्रोवाइड नहीं करती, तो वो उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं उनसे वर्क करवाया जाता है. ठीक है, एंड दे आर गुड एट दैट, तो दोज आर कंसिडर्ड अंडर दी ड्रॉट ब्रीड. देन वी हैव द डूअल पर्पज़ ब्रीड, जिनमें दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब कि जो मेल पार्ट है उनसे ड्रॉट वाला काम वर्क करवाया जाता है, और जो फीमेल है दोज आर गुड मिल्क यील्डर. एंड देन द थर्ड वन वी हैव द मिल्च ब्रीड्स, जिनमें कि मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. साहिवाल, यस साहिवाल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है, जो गिर साहिवाल और रेड सिंधी है ये होती है मिल्च की ब्रीड्स. ठीक है, और देओनी और थारपारकर आर द डुअल पर्पज ब्रीड्स. ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 39 इज इन एनिमल्स अकरेंस ऑफ डिजीज रिकेट्स विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्केलेटल डिफॉर्मिटी. सो रिकेट्स में क्या होता है, बेसिकली जो बोन्स होती हैं उनमें डिफॉर्मिटीज आप बोल सकते होने लगती है. ये किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है पोल्ट्रीज में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39. क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर तो फटाफट से, विटामिन डी ऑप्शन नहीं है. ठीक है, ए ऑप्शन, दैट इज विटामिन डी. सो विटामिन डी इज बेसिकली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म. और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फिर हड्डियों में कैसे जाएगा, बोन्स में कैल्शियम इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ना, तो उसको मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी, मतलब कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होना इम्पॉर्टेंट है, और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होने के लिए विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स का डिजीज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40. वी हैव एन एडल्ट कमर्शियल चिकन ऑफ 21 to 72 वीक्स ऑफ एज एंड प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द एग्स फॉर कंजम्पशन इज कॉल्ड एज. सो इसको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं जो हेन या चिकन को, सॉरी हेन को हम यूज करते हैं फॉर ओनली फॉर एग प्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं लेयर. ठीक है, 40 का एग, यस लेयर्स कहा जाता है उनको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 इज द हाईली कंटेजियस डिजीज, दैट इज न्यू कासल डिजीज को रानी खेत डिजीज या फिर न्यू कासल डिजीज एक ही डिजीज का नाम है. विच कैन रैपिडली स्प्रेड अमॉन्ग द फ्लॉक, इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन इन द बर्ड्स विद अ स्पेसिफिक पैथोजन. किस वजह से होता है, कौन सा कैसा डिजीज है, इज इट अ फंगल डिजीज और इज इट अ वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज या फिर प्रोटोजोअल डिजीज. बी बहुत लंबा सा बी लिखा है ललित ने. ओके, तरुण से इज वायरस, 41 का बी, यस.
अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स सही आंसर दे रहे हैं, विच मीन्स इट्स अ गुड थिंग. वायरल डिजीज़ है रानीखेत डिजीज़, ठीक है, बहुत जल्दी ये स्प्रेड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 42, पडलिंग. पडलिंग इज़ अ प्रोसेस राइस का कल्टिवेशन जब हम करते हैं, या पैडी का जब कल्टिवेशन किया जाता है, तो उसमें हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी जब ट्रांसप्लांटिंग की जाती है मेन फील्ड में, पहले हम उसका नर्सरी उगाते हैं, फिर नर्सरी से मेन जो हमारा फील्ड होता है वहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग की जाती है. और ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले हम वहाँ पर पडलिंग की एक प्रोसेस करते हैं. पडलिंग की प्रोसेस क्या होती है, जो भी हमारा फील्ड एरिया है वहाँ पर जितनी भी मिट्टी है उसको चर्न किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पडलर. पडलर इज़ एन इम्प्लीमेंट जो ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, और फिर यहाँ पर जो भी सॉइल है उसको आप बोल सकते हो कि कीचड़ जैसा बना देते हैं, ठीक है, हिंदी में रोपाई कहा जाता है ट्रांसप्लांटिंग को. तो ये पडलिंग की प्रोसेस क्यों की जाती है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस. आई होप आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे. सी आंसर दिया है मोस्टली ने, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट. टू क्रिएट एन इम्पर्मिएबल लेयर. सो इम्पर्मिएबल लेयर कैसे क्रिएट करेंगे, वहाँ पर जो भी पडलर होता है ऊपर की जो सॉइल होती है टॉप सॉइल उसको चर्न कर लेता है, नीचे की सॉइल को रहने देता है, और नीचे हार्ड पैन जब मिल जाता है उसको, तो हार्ड पैन के नीचे क्या है, परमिएबल नहीं होता, मतलब वो वाटर जो है वो नीचे पर्कुलेट नहीं होगा. सो टू क्रिएट एन इम्पर्मिएबल लेयर, ये मेन ऑब्जेक्टिव है. इसके अलावा भी हो सकते हैं, देखो और क्यों की जाती है पडलिंग, जो भी वहाँ पर वीड्स हैं उनको चर्न किया वो उन कट हो जाते हैं ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ठीक है, तो वीड्स को हटाने के लिए आप बोल सकते हो, या फिर वहाँ पर अगर फर्टिलाइज़र डाल दिया तो फर्टिलाइज़र को मिक्स करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विद इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. देखो इतना लंबा सा आपको ना क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि आप थोड़ा टाइम वेस्ट कर सको, टाइम मतलब आपको थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है, बट आपको जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना है, और आपको मेन ऑब्जेक्टिव पे आना है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रूमिनेंट्स स्टोमक वेयर दिस एक्सटेंसिव माइक्रोबियल पॉपुलेशन, मतलब कि सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो भी हमारे रूमिनेंट्स होते हैं ना, उनके चार आप बोल सकते हो पेट के हिस्से होते हैं, स्टमक के अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, दैट इज रूमेन रेटिकुलम ओमेसम और एबोमेसम, ऐसी सीरीज से होते हैं. इसमें से कौन सा पार्ट है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं जो हमारा रूमिनेंट एनिमल है उसको डाइजेशन करने में उसको हेल्प करते हैं. सो दैट इज़ द रूमेन वाला पोर्शन, ठीक है, जिसके नाम पे ये बड़ा है, रूमेन वाला जो पोर्शन होता है स्टमक का, वहाँ पर सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो इसके साथ ही मुझे बता दो कि कौन सा ट्रू स्टमक होता है, ट्रू स्टमक किसको कहते हैं इन चारों पोर्शंस में से. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, तब तक आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो कि ट्रू स्टमक कौन सा होता है. तब तक क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ लेते हैं फटाफट से. ट्रूली माइग्रेटरी फिश द माइग्रेशन ऑफ विच अकर होली विद इन द फ्रेश वाटर इज क्लासिफाइड एज. सो ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस. एनाड्रोमस होती है, कैटाड्रोमस होती है, एम्फीड्रोमस होती है, पोटामोड्रोमस होती है, ओशियनोड्रोमस भी होती है. पोटैमो, हर्षल इज सेइंग पोटैमो. एबोमेसम, यस करेक्ट आंसर इज एबोमेसम. एबोमेसम को कहा जाता है द ट्रू स्टमक, ठीक है. डी 44 का ई डी है करेक्ट आंसर, ए नहीं है ना, नोप्स, इट इज पोटामोड्रमस, जो कि सिर्फ फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करती है. एनाड्रोमस क्या होती है, जो कि सेलाइन वाटर या फिर आप बोल सकते हो ओशन वाटर में रहती है, लेकिन फॉर ब्रीडिंग पर्पस, फॉर स्पॉनिंग, ये फ्रेश वाटर में जाती है. वेयर इज कैटाड्रोमस के साथ उल्टा है कि वो फ्रेश वाटर में रहती है और फॉर ब्रीडिंग या स्पॉनिंग ओशन वाले सॉल्टी वाटर में आती है, ठीक है. सो ये अलग है और ये अलग है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 45, विच ब्रीड ऑफ कोट इज फेमस फॉर इट्स हाई प्रोडक्शन एंड प्रसिस्टेंसी इन यील्ड एंड इज आल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ मिल्क. सो कौन सी है हमारी ब्रीड ऑफ गोट जिसको क्वीन ऑफ मिल्क कहा जाता है, क्योंकि इसका मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. ओके, शुभम इज सेइंग सानेन, चांदनी इज ऑल्सो सेइंग सानेन. 45 का डी,
सानेन सानेन यस करेक्ट आंसर इज सानेन और सानेन कहाँ से है दिस इज बेसिकली फ्रॉम स्विट्जरलैंड मतलब यहाँ की ब्रीड नहीं है ये स्विट्जरलैंड की ब्रीड है और ये क्या बहुत ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अमंग द फॉल अमंग द बफेलो ब्रीड्स मेहसाना इज बिलीव टू हैव इवॉल्व थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग से इसको बनाया गया था इस ब्रीड को नई ब्रीड को विच टू प्राइमरी बफेलो ब्रीड्स आर थॉट टू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेहसाना मेहसाना बेसिकली किस किस के क्रॉस से बनी हुई है सो वॉट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन ये सानेन वाला हो गया है स्विट्जरलैंड भी हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है ओके तरुण ने आंसर दिया है सुरती एंड मुर्रा व्हाट अबाउट अदर्स सी 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 यस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस जितनों ने भी सी दिया है वो मार्क कर सकते हैं करेक्ट आंसर प्लस वन आप दे सकते हो अपने आप को ठीक है सो सुरती और मुर्रा और सुरती का जो आप बोल सकते हो ओरिजिन है दैट इज़ गुजरात गुजरात बेल्ट को ये बिलोंग करती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम क्वेश्चन इस 47 क्वेश्चन नंबर 47 फटाफट से कंप्लीट करते हैं फिर इसके बाद आएंगी हिमानी मैम जो आपके लिए और सारे क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन लेके आने वाली हैं और उसमें भी क्या है बहुत सारे सॉइल साइंस के क्वेश्चन होंगे एक्सटेंशन के क्वेश्चन होंगे रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चन होने वाले आपके लिए ठीक है सो जोश अभी बना के रखना ठीक है ढीला नहीं होना चाहिए जोश नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट से फिश विच स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन द सी एंड माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर फॉर ब्रीडिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ना एनाड्रोमस इसका आंसर है तो ये वाला नहीं कंसिडर करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज इंडियन मेजर कार्प्स इंडियन मेजर कार्प्स में कौन कौन सी स्पीशीज आती है यस एनाड्रोमस इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट ऑलराइट यस इंडियन मेजर कार्प में कौन सी हमारी स्पीशीज आती है सिल्वर कार्प कैटला मृगल रोहू या फिर ये तीनों ही बी ई ई ई सुशील ने बहुत बड़ा ई लिखा है ओके ई एक बार भी लिखोगे यार दिख जाता है यार मेरे को क्यों तुम इतना बड़ा बड़ा ई लिख रहे हो ओके आंसर इज कैटला मृगल रोहू ये तीनों ही हमारे इंडियन मेजर कार्प में आते हैं और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है ठीक है फिशरीज भी आपका इंपॉर्टेंस होल्ड करता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही आया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और फिर इसके बाद 50 क्वेश्चन होगा और फिर हिमानी मैम आपके लिए और सारे क्वेश्चन लेके आएगी ठीक है क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 क्या है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर लोकेटेड है वेयर इज इट लोकेटेड कैटला मृगल रोहू यस करेक्ट है आंसर इसका ओके सुशील ने लखनऊ लिखा है नीलेश ने 49 का बी लिखा है ओके मैम ठीक है चलो फिर एक एक बार में ही आंसर दे दो सब लखनऊ 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 यस करेक्ट आंसर इज लखनऊ अच्छा NBPGR का है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज और इसके साथ ही NB नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज इन दोनों की लोकेशन क्या है फटाफट से बताओ लखनऊ लखनऊ हो गया इन दोनों की भी बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ ठीक है डेली इसी ने लिख दिया है आंसर यस NBPGR का डेली में है और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है करनाल में यस करेक्ट करेक्ट आंसर इज करनाल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन डैश वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया
सो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मरीन प्रोडक्ट्स को इंडिया से एक्सपोर्ट करता है? और ये मिनिस्ट्री ऑफ, देखो इसमें आपको ना दूसरी न्यूज़ भी, न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन भी मिल गई है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज एमपीडा, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इसके बाद अब आएंगी हिमानी मैम और वो आपको सारे क्वेश्चंस करवाएंगी, ठीक है? तो जुड़े रहिए, 2 मिनट आपको वेट करना है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, ओके। सो हिमानी मैम आ रही हैं, ऐसे ही जोश बना के रखना, आंसर्स देते रहना, ठीक है? सो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? प्लीज़ कंफर्म वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। तो मैं आप लोगों के कमेंट भी देखूंगी, आप लोगों ने अभी तक काफ़ी सारे आंसर किए हैं। अब आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम देखिए अलग अलग जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, ओके थैंक यू सो मच सुशील। चलिए पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ हायर प्लांट, ठीक है? तो हायर प्लांट के स्टैंड पॉइंट व्यू, ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। एंड देखिए, द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ हायर प्लांट्स, इसको क्या कहा जाता है? इज इट पीडोलॉजी, इडेफोलॉजी, पेट्रोलॉजी, जियोलॉजी और जूलॉजी, ओके? तो देखिए मैं आपको तब तक और ऑप्शंस बता देती हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, ओके? जियोलॉजी मतलब होता है कि अगर आप अर्थ साइंसेस की स्टडी कर रहे हैं तो उसे जियोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, ओके? अब देखिए जो सॉइल साइंस होता है उसको 2 एस्पेक्ट में स्टडी किया जाता है। पहला एस्पेक्ट अभी आई थिंक सॉइल साइंस के बारे में आपको सोनल मैम ने बता दिया होगा। तो पीडोलॉजी का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल क्लासिफिकेशन को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पीडोलॉजी कहते हैं। एडेफोलॉजी अगर उसको हम स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ हायर प्लांट्स स्टडी कर रहे हैं। वेरी नाइस, ठीक है? तो आप लोगों का आंसर सही है, अगर आपका आंसर बी है तो वेरी नाइस, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एडेफोलॉजी, ओके ओके, हेलो हेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बी है आपका, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम फॉर द वर्ल्ड सॉइल डे 2022 में जो आपका क्या आया था, थीम था वर्ल्ड सॉइल डे का, वो क्या था? ओके, तो देखिए वर्ल्ड सॉइल डे मनाया कब जाता है पहले ये देख लेते हैं। तो इसको मनाया जाता है 5 दिसंबर का, ओके? अभी ये देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंटली क्या गया है, 16 जुलाई को क्या मनाया हम लोगों ने? ICR का डे, ओके, ICR डे। एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसको हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, ओके? नाबार्ड का फाउंडेशन डे 12 जुलाई, ओके? आज क्या है? वर्ल्ड एनिमल डे, ओके? तो चलिए ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉइल वेयर द फूड बिगिंस, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नोन एज किसान खाद, तो इनमें से किस फर्टिलाइजर को हम क्या कहते हैं? वेरी नाइस, तो आप लोगों का आंसर करेक्ट है, तो बी एकदम सही आंसर था उसमें। 5 दिसंबर को हम वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं, ओके? सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नोन एज किसान खाद, तो किसान खाद हम किसे कहते हैं, कौन से फर्टिलाइजर को कहते हैं, ओके? सो किसान खाद इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल फर्टिलाइजर भी कहते हैं, ओके? तो ये भी आपने जान लिया कि इसको न्यूट्रल फर्टिलाइजर कहते हैं, तो किसान खाद को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल फर्टिलाइजर कहते हैं। फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट, ओके? तो वट एवर द सोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट, तो उसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहां पर? तो जल्दी से आंसर लिखिए, यूरिया, यूरिया बच्चे गलत आंसर है। यूरिया का जो रेजिडुअल एक्शन होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है? तो ये भी जान लीजिए कि यूरिया का रेजिडुअल एक्शन क्या होता है? एसिडिक होता है। अगर आपका आंसर क्या है? CAN है, तो आप एकदम करेक्ट हैं, ठीक है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ओके, वेरी नाइस, न्यूट्रल फर्टिलाइजर भी बोला है बच्चों ने, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ओके? तो CAN इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल फर्टिलाइजर कहते हैं या फिर किसान खाद कहते हैं, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फटाफट हम चलेंगे ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और एंड में आप मुझे स्कोर भी बताइएगा अपना, ठीक है, कि आपका क्या स्कोर रहा है। तब तक देखिए, मिनरल न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट ईयर ये आपसे पूछा भी गया था, ओके? और रिसेंटली अभी शायद
जाती है कोई और एग्रीकल्चर एग्जाम, आई थिंक छत्तीसगढ़ के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, सो द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेस स्लो एंड स्टंटेड प्लांट ग्रोथ एंड पर्पल कलरेशन ऑन द ओल्डर लीव्स. ओके, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी. देखिए, अपना पेन कॉपी पानी लेकर बैठ जाइए क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, और बिना रुके हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे. तो ओल्डर लीव्स पर मैंने आप लोगों को बताया था एक ट्रिक, एन पी के एम जी एम ओ आपको याद करना है ना. एन पी के एम जी एम ओ की डिफिशियंसी कहाँ पर आती है? दे यूजली एग्जिबिट देयर डिफिशियंसी इन द ओल्डर लीव्स. कहाँ पर एग्जिबिट करते हैं? ओल्डर लीव्स पर करते हैं. ओके, अब आपसे पूछा गया है पर्पल पिगमेंटेशन किस में होती है. ओके, सो पर्पल पिगमेंटेशन किस केस में होती है? फॉस्फोरस में. तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? फॉस्फोरस. ओके, नाइट्रोजन कहाँ पर होगी इसकी डिफिशियंसी? ओल्डर लीव पे. और सिम्टम क्या होगा? यूनिफॉर्म क्लोरोसिस. तो अगर आपसे पूछा जाता है यूनिफॉर्म क्लोरोसिस, तो आपने आंसर देना है नाइट्रोजन. ओके, पोटेशियम में क्या होती है? मार्जिनल बर्निंग और स्कॉर्चिंग. और सल्फर में क्या होता है? यूनिफॉर्म क्लोरोसिस. बस, बट किस केस में? अपर लीव के केस में. ओके, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. आप फटाफट अपना स्कोर भी जो है स्कोर भी चेक करते रहिए, मैं आपके आंसर भी देख रही हूँ. ठीक है, तो तब तक आप अपने आंसर जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन चेक करते रहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म दैट रिलेट टू द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स. देखिए, अभी यहाँ पर आपने लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है. एम एन के जिंक एफ ई एम जी एस एंड नाइट्रोजन. ओके, तो अब इनकी डिफिशियंसी में आपको एक कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगा. इसको कहा जाता है विच लीव्स इन विच द लीव्स और पार्ट बिकम येल्लो. ठीक है, तो आपको इस तरह से आपका कुछ लीव नजर आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, इस सिम्टम को कहा जाता है. वेरी नाइस, तो आप लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है. क्लोरोसिस की सिम्टम होता है. ठीक है, तो जिसमें क्या की जाती है, जिसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म क्लोरोसिस होती है. ओके, अभी देखिए नेक्रोसिस में क्या होती है, सेल की डेथ हो जाती है. ओके, तो मैंने जब आपको बताया था एन पी के एम जी एम ओ है ना, तो एन पी और एम जी को आपने अलग कर लेना है और के और एम ओ को अलग कर लेना है. ओके, तो इनमें क्या आएगी, क्लोरोसिस आएगी. इनमें क्या आएंगे, डेड स्पॉट की फॉर्मेशन होगी. ओके, तो आपने ये भी जान लिया. मैम प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा. ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसे. ओके, तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. देखिए, अभी ना हम क्वेश्चन को टैकल कर लेते हैं. आप अपने मार्क्स लगाइए, एंड में मैं आपके मार्क्स भी देखूंगी, तो हम जल्दी जल्दी सेशन को आगे बढ़ाएंगे. ओके, और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताऊंगी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज माइक्रो न्यूट्रेंट. अब आप सभी को पता है कि जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रेंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रेंट मतलब वो जो न्यूट्रेंट क्या करते हैं, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को फुलफिल करते हैं. ओके, अब इनको किस में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो में बांटा गया है. ओके, किस में बांटा गया है, माइक्रो एंड मैक्रो में बांटा गया. ओके, अब मैक्रो क्या होते हैं आपके, 9, ये क्या होते हैं, 8, है ना. तो आपको ये जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या हो जाएंगे ये, सी एच ओ एन पी के सी ए एम जी एस, है ना. इस तरह से आप इसे याद रखिए. ये क्या हो गया, एफ ई एम एन कॉपर जिंक बी एम ओ सी एल एन आई. आपसे क्या पूछा गया है, माइक्रो कौन सा है, माइक्रो कौन सा है, एन ये तो क्या होता है, मैक्रो होता है, पी ये भी मैक्रो होता है, के ये भी मैक्रो होता है, सल्फर ये भी मैक्रो होता है. तो माइक्रो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आयन. अगर आपका आंसर आयन है तो आप एकदम करेक्ट हैं. चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर लिख लीजिएगा और जितना हो सके तो याद करने की कोशिश कीजिए. ओके, अभी ये रीसेंट का क्वेश्चन है, शायद आपको कैलाश सर ने ये क्वेश्चन करवाया होगा. तो यही क्वेश्चन है, देखिए यूरिया गोल्ड के बारे में इसमें बात की गई है. आपको बताना है कि इसमें प्राइमरी पर्पस क्या है यूरिया गोल्ड का. ओके, आई थिंक आप लोगों को सर ने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया होगा, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से जल्दी एक्सपेक्ट कर रही हूँ. ओके, वेरी नाइस, एन पी के सी एच ओ एम जी एस सी एम जी एस, यस एकदम करेक्ट हैं आप. इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं. ओके, साक्षी ने आंसर किया है ई. बहुत सारे बच्चों का आंसर ई है, पर ई आंसर नहीं होगा. आंसर क्या होगा, सल्फर डिफिशियंसी. ओके, तो सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. यूरिया गोल्ड किसके लिए आया था, सल्फर डिफिशियंसी को एड्रेस करने के लिए अभी क्या हुआ, यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया. ओके, सो इनरिच द सॉइल विद सल्फर. ठीक है, तो इसमें क्या है, सल्फर की कोटिंग की गई है. तो यानी नाइट्रोजन के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, एडिशनल जो सल्फर है वो सल्फर आपको मिल रहा है. ओके, तो ये क्या हो गया आपका, यूरिया गोल्ड. ओके, रिड्यूसेस इनपुट कॉस्ट फॉर फार्मर, और हमारी जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है. ओके, हाँ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए. ठीक है, ऑल नहीं होगा. ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन मेन्योर क्रॉप. ओके चलिए आप इस क्वेश्चन को कीजिए, ग्रीन मेन्योर क्रॉप कौन से होते हैं. तब तक मैं आपको कुछ बता देती हूँ ग्रीन मेन्योर क्रॉप के बारे में. एक्चुअली जो आपकी ग्रीन मेन्योर क्रॉप होती हैं वो होती हैं आपकी इन सीटू एंड एक्स सीटू. ओके इन सीटू का मतलब क्या होता है, अगर आप उसी फील्ड पर उसे ग्रो कर रहे हैं देन टर्न कर दे रहे हैं तो उसको कहा जाता है इन सीटू ग्रीन मेन्योरिंग. एक्स सीटू का मतलब क्या होता है कि अगर आप बाहर से क्रॉप लेकर आ रहे हैं, यानी क्रॉप में जो लीव्स होती हैं, यानी जैसे सूप बबूली आप लीव्स क्या हैं बाहर से लेकर आ रहे हैं, उसको टर्न करते हैं सॉइल में, उसको हम क्या कहते हैं एक्स सीटू. क्या कहा जाता है एक्स सीटू ग्रीन मेन्योरिंग. ग्रीन मेन्योरिंग का मतलब क्या होता है, हरी खाद. ओके सो इसमें आंसर ई. हाँ तो जिन बच्चों ने भी ई ऑप्शन ऑप्ट किया है वो करेक्ट हो जाएगा. ओके तो जितनी भी क्रॉप्स हैं आपकी वो सारी की सारी क्या होती हैं, ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स होती हैं. ओके जिसमें से जो सेस्बीनिया रोस्टाटा होती है उसमें दोनों में वो उसमें आपको स्टेम में भी नोड्यूलेशन मिलती है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इसेंशियल. ओके अभी हमने डिस्कस किए थे 17 इसेंशियल. ओके अब आपने बताना है कि इसमें से इसेंशियल कौन सा नहीं है. ओके अभी आप सभी को पता है कि जो निकिल है, निकिल क्या है, लास्ट ऐड हुआ था. ओके तो जो आपकी इसेंशियल की कैटेगरी में लास्ट एडेड न्यूट्रंट है वो कौन सा है, निकिल है. एम एन भी हमने पढ़ा, जिंक जिंक भी हमने पढ़ा, आयन भी हमने पढ़ा, तो क्या नहीं पढ़ा, दैट इज सोडियम. सोडियम को क्या कंसिडर किया जाता है, सोडियम वेनेडियम कोबाल्ट सिलिकन, इनको कंसीडर किया जाता है, क्या इनको कहा जाता है बेनिफिशियल एलिमेंट्स. ओके तो ये समहाउ इन क्रॉप कुछ ही क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, इनकी बेनिफिशियलिटी हर क्रॉप में टेस्टेड नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहा जाता है. ठीक है तो सोडियम बेनिफिशियल है, इसेंशियल नहीं. ओके तो याद रखेंगे कि सोडियम क्या होता है, बेनिफिशियल एलिमेंट होता है. मिनरल न्यूट्रिएंट की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं नाबार्ड एग्जामिनेशन में. ठीक है हाँ वेरी नाइस, तो आप लोगों का आंसर सोडियम है, एकदम करेक्ट आंसर है. ठीक है चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम. यूरिया इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया. ठीक है तो ये भी नाबार्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपने बताना है. बहुत इजी क्वेश्चन है, यूरिया के बारे में अक्सर हर किसी को पता होता है. जब भी हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं उसमें बहुत कॉमन फर्टिलाइज़र क्या होता है, यूरिया होता है ना. तो यूरिया में आपने बताना है कि यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है. ओके तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि अमोनियम नाइट्रेट यानी जो दोनों फॉर्म में क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को अप्लाई कर रहा है, उसमें क्या होगा, दोनों सेम नंबर होगा, यानी तीन तीन. ओके तो तीन तीन यानी 33% तो किस में होता है, अमोनियम नाइट्रेट में होता है. ओके यूरिया में कितना होता है, 46. तो 46 यू करके आप इसे याद रख सकते हैं. तो यूरिया में कितना नाइट्रोजन कंटेंट होता है, 46%. ओके चलिए आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा आपका बी. ओके तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे. ओके वेरी नाइस, ठीक है तो 46 आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है. चलिए आगे चलते हैं, द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड न्यू प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन अवेलेबल फॉर्म. ओके तो सॉइल की एबिलिटी कि वो क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट को अवेलेबल फॉर्म में प्लांट को क्या कर रही है, अवेलेबल करवा रही है. अवेलेबल फॉर्म मतलब जो प्लांट के लिए मोस्ट सूटेबल है अपटेक के लिए. ओके तो उसको उस कंडीशन में प्रोवाइड कर रही है, उस सॉइल को हम क्या कहते हैं. ओके तो आपके पास ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी, प्रॉब्लमेटिक, फटीकनेस. ओके तो जब भी हम किसकी बात करते हैं, सॉइल की एबिलिटी कि वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर पा रही है, तो उसको हम कहते हैं फर्टिलिटी. ओके और जब हम उसको किससे कंपेयर करते हैं, ईल्ड से कंपेयर करते हैं, यानी कि उसका आउटकम हमको किस रूप में मिल रहा है. अगर हमको ईल्ड जो है, ईल्ड उसे मिल रही है, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी. ओके तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए. तब तक हम चलते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल में. तो अगर सॉइल इनकेपेबल है न्यूट्रंट को देने के लिए, न्यूट्रंट को प्लांट को अपटेक कराने में, तो उस सॉइल को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लमेटिक. यानी कुछ तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि न्यूट्रंट अवेलेबल नहीं करवा पा रही है. ओके तो सॉइल को हम क्या कह देंगे, प्रॉब्लमेटिक सॉइल. अब सॉइल फटीगनेस मतलब अब सॉइल उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, आपने उससे इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले ली है कि सॉइल अब थक गई है, उसके पास न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल फटीगनेस कहते हैं. ओके हाँ वेरी नाइस, तो यील्ड क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है तो सॉइल बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. जब हम उसे ईल्ड से कंपेयर करेंगे तब क्या होगा, प्रोडक्टिविटी होगा. ओके तो सारे पॉइंट जो हैं वो लिखिए, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है. चलिए कुछ आप क्वेश्चन क्या करते हैं, हम एक्सटेंशन के कुछ क्वेश्चन लगाते हैं. ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है, दोनों शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ओके डैश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम. ओके एम्स एट द असेसमेंट ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंटरप्राइजेस. अब अलाइड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब किस में आते हैं, अलाइड में आते हैं, थ्रू टेक्नोलॉजी असेसमेंट, रिफाइनमेंट एंड डेमोस्ट्रेशन. तो कौन सी ऐसी वो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी,
वेरी नाइस, तो आप लोगों ने ऑप्ट किया है आत्मा नहीं होगा बच्चे, केवी की होगा आंसर, ठीक है, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवी की। ओके, आत्मा क्या होता है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ओके, कहाँ पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, की ऑफ स्टेक होल्डर्स कहाँ पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। ओके, केवी के क्या होता है आपका, कृषि विज्ञान केंद्र, जिसको हम क्या कहते हैं, फार्म साइंस सेंटर भी कहते हैं। ओके, ये क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर्स, और बाकी दूसरा क्या हो गया आपका, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो करेंट पिछली बार आप पेपर देखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से क्या हुआ, स्टेटमेंट कॉपी करके दे दिया। ओके, तो ये देखिए, केवी की इज एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ, ओके, तो आपने अगर पिछली बार एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि डायरेक्टली यहाँ से क्या दे दी थी, स्टेटमेंट कॉपी करके दे दी थी। अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि रिसेंटली केवी के कितने हो गए हैं, 731 हो गए। इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि पहला केवी के कब आया था, 1974 में, कहाँ पर आया था, पुदुचेरी में आया था, कौन से कैंपस के अंडर आया था, दैट वाज तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो जो आपका TNU कैंपस था उसके अंडर ये आया था। ओके, तो चलिए आई थिंक आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है, वेरी नाइस, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है केवी के, तो चलिए इस क्वेश्चन का भी फटाफट आंसर कर दीजिए कि पहला केवी के कब आया था, अभी हमने डिस्कस किया था 1974 में आया था, कहाँ पर आया था, फटाफट से आंसर में लिखिए। तब तक मैं आपको बता देती हूँ, जो CFTR है ना, फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर है, मैसूर में। ओके, बेंगलुरु में क्या है आपका, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इक्रीसेट कहाँ पर है, पतनचेरू हैदराबाद में है। ओके, देहरादून में क्या है, IIRS। ओके, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, या फिर आप बोल सकते हैं सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन का जो इंस्टीट्यूट है वो भी कहाँ पर लोकेटेड है, देहरादून में। आंसर क्या हो जाएगा, पुदुचेरी। ओके, वेरी नाइस, तो आप लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है, पौंडीचेरी पुदुचेरी आप जो भी कहना चाहे वो आपका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, तो आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, एक बार थम्स अप कर दो अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी, तो पंचायती राज क्या होना चाहिए। ओके, तो पंचायती राज से यानी रूरल डेवलपमेंट से आपसे क्वेश्चन है, ये पार्ट आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में भी आता है, मैं आप लोगों के कमेंट भी देख रही हूँ, ठीक है, तो आप टू गेट द PDF ऑफ दिस यस्टरडे सेशन, वो भी आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थम्स अप भी कर देना। ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज के बारे में क्या कहा था, ठीक है, तो आप सभी को पता है जो CDP NES ये आपके कुछ प्रोग्राम्स थे, अब ये कब आया ये भी आप लोगों के लिए जानना इंपॉर्टेंट है, तो CDP आया था आपके गांधी जी के बर्थडे पे, गांधी जी का बर्थडे कब होता है, 2 अक्टूबर 1952, ये भी 2 अक्टूबर 1953, ठीक है, तो दोनों गांधी जी के बर्थडे पे आए थे, और इनके फेलियर की वजह से अब क्या हुआ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब हमको क्या करना है, ग्रास रूट पर हम काम तो कर रहे हैं पर ग्रास रूट पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने कमेटी को क्या किया गया, रिकमेंड किया गया एक कमेटी को, और उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया, देखिए इन्होंने दो बातें कही, एक बातें क्या थी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा था लोकल सेल गवर्नमेंट। ओके, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, पावर को बांट दीजिए, लोकल सेल गवर्नमेंट मतलब अपना नेता खुद से चुने। ओके, चलिए अभी बोला गया है कि पंचायती राज के बारे में इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, तो इन्होंने सजेस्ट किया था 3-tier system। ओके, 2-tier system किसने किया था, अशोक मेहता कमेटी ने। ओके, और 3-tier system किसने सजेस्ट किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने, तो ये कौन सी होती है, विलेज लेवल से लेकर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब जो 3 tier होते हैं उस टेयर को इन्होंने सजेस्ट किया था। ओके, 3-tier structure ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट बॉडीज फ्रॉम विलेज टू डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो विलेज लेवल पर आप इसे खुद इलेक्ट करते हैं, हाउएवर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ओके, चलिए तो आंसर क्या था, अभी देखिए पंचायती राज के बारे में भी थोड़ा और जान लेते हैं, तो बलवंत राय कमेटी कब एस्टेब्लिश हुई थी, कब अपॉइंट हुई थी, 1957 में सबसे पहले जो पंचायती राज था उसको कहाँ अडॉप्ट किया गया, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ओके, तो इसके 3 tier क्या हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ओके, अशोक मेहता कमेटी ने क्या दिया, 2-tier system रिकमेंड किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज अ वे ऑफ शोइंग पीपल द वैल्यू और वर्थ ऑफ एन इम्प्रूव प्रैक्टिस। ओके, तो आपने वर्थ बतानी है, तो वर्थ किस तरह से बताते हैं, वेरी नाइस, तो 2-tier system किसमें था, अशोक मेहता कमेटी ने दिया था। ओके, नाइस, ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं. विच मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज वे ऑफ शोकेसिंग पीपल द वैल्यू. ओके, तो जब आप क्या है मेथड को एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपका मेथड है वो किस तरह से, यानी मान लीजिए आपने बताना है कि ट्रैक्टर किस तरह से रन करेगा, तो उसका जब आप प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन. जब हम बोलेंगे कि अब आप क्या है लाइन स्विंग कीजिए इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, तो वो रिजल्ट जब खुद बोलेगा तो उसको हम कहेंगे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, यानी जो आउटपुट होगा वो स्पीक इटसेल्फ. ओके, सो द रिजल्ट विल स्पीक इटसेल्फ, तो दैट कम अंडर योर रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन. ठीक है, तो वो किसके अंडर आएगा, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अंडर आएगा. ठीक है, तो वैल्यू और वर्थ की जब हम बात करते हैं तो वो किसके अंडर आता है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के अंडर आता है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है आपके पास इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस से, जिसमें जो अडॉप्शन होता है, अडॉप्शन मतलब क्या होता है, कोई भी नई इनोवेशन डेवलप हुई है उसका जो अडॉप्शन रेट होता है सोसाइटी में वो किस तरह से होता है. ओके, तो आपने बताना है, आप सभी को पता है उसमें जो सेक्शंस होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं. पहले आपके क्या आते हैं, इनोवेटर्स आते हैं, अर्ली मेजॉरिटी, अर्ली अडॉप्टर्स, ओके, लेट मेजॉरिटी, देन आपके लैगार्ड्स आते हैं. लैगार्ड्स क्या होते हैं, सबसे लास्ट में किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं. अभी सबसे पहले जो अडॉप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, आपके इनोवेटर्स. ओके, कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है उसको सबसे पहले किन के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, सोसाइटी में 2.5% होते हैं, इनको कहा जाता है इनोवेटर्स. ओके, तो आपने बताना है इनमें से गलत आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 का सी कह रहे हैं आप लोग. ओके, वेरी नाइस, तो ग्रुप कॉन्टैक्ट मैथड, हाँ ठीक है, मैथड डेमोन्स्ट्रेशन और इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मैथड, इसको हम कहते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन. ठीक है, बहुत सही. ओके, सी कह रहे हैं आप लोगों के, तो सी अर्ली मेजॉरिटी चेक कर लेते हैं. अर्ली मेजॉरिटी 34% है, तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए. अर्ली अडॉप्टर्स 13.5% है, ये भी नहीं है. ओके, लैगार्ड्स कितना है, 16, और यहाँ हमने लिखा है 2.5, तो ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर क्या हो जाएगा, 16%. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका डी. ठीक है, हाँ वेरी नाइस, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा. तो लैगार्ड्स कितने होते हैं सोसाइटी में, 16%, बहुत रिस्ट्रिक्टिव टाइप के होते हैं और बहुत ही क्या होते हैं कि हमको कोई भी नई चीज़ क्या है सबसे लेट में कोई अडॉप्ट करने वाला होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, लैगार्ड्स कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवीके के बारे में हमने जान लिया, अब बताइए कि केवीके किसकी रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश हुआ. ओके, सो हु हेडेड द कमिटी दैट वर्कड आउट अ डिटेल प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग द केवीके स्कीम. ओके, तो कौन सी कमिटी थी, इज इट मोहन सिंह मेहता, शिवारमन, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता. अब आपको पता है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता कहाँ पर इन्वॉल्व थे, पंचायती राज में. ओके, आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा. ओके, ए आप लोग कह रहे हैं. ओके ठीक है, तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमेटी थी जिनकी रिकमेंडेशन पे क्या आया था, केवीके आया था. ओके, अभी आप बताइए जो शिवारमन कमेटी है वो किसके एस्टेब्लिशमेंट में रिस्पॉन्सिबल है. ओके, आंसर एकदम करेक्ट है आप लोगों का. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लॉन्च बाई ICR एज अ पार्ट ऑफ इट्स गोल्डन जुबली. अभी हमने क्या डिस्कस किया था, ICR का फाउंडेशन डे कब आता है, 16 जुलाई को आता है ना, कब आया था, 1929. गोल्डन जुबली यानी कितने हो जाएंगे, 50 साल, 1979. कौन सा आया था, लैब टू लैंड प्रोग्राम आया था. ठीक है, तो कोई भी फार्मर को दिक्कत परेशानी होगी उसको लैब तक लेकर जाएगा और उसका जो सोल्यूशन है उसको वापस लैंड में लेकर आया जाएगा, इसको हम कहेंगे लैब टू लैंड प्रोग्राम. ओके, CDB कब आया था, अभी डिस्कस किया हमने, 1952 में आया था गांधी जी के बर्थडे पे. NES 1953 पे. ओके, इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब आया था, 1948 में आया था. अगर आपको पता है इससे एसोसिएटेड पर्सन तो फटाफट से क्या है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. ओके, लैब टू लैंड प्रोग्राम कब आया था, 16 जुलाई 1979. ठीक है, तो इसके गोल्डन जुबली पे आया था. ओके, वेरी नाइस, 74 नहीं होगा बच्चे, 79 होगा. ओके ठीक है, लैब टू लैंड प्रोग्राम एकदम करेक्ट आंसर है. ठीक है, अभी ये बताइएगा कि टावा पायलट प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड जो पर्सन है वो कौन से हैं. ठीक है, नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, तब तक कुछ फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन हम टिक कर लेते हैं. ठीक है, तो द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री ऑन द लैंड आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन. ठीक है, तो ऐसी जो सोसाइटी जो फॉरेस्ट एरिया के बाहर हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया के बाहर हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्लांटेशन को करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं. ओके, तो इसको क्या कहा जाता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, सोशली बेनिफिट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, तो उसको हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री. क्या कहते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री. ओके,
फार्म फॉरेस्टिंग इसको कहा जाता है जब इंडिविजुअल को कंपेल किया जाता है कि आप अपने लैंड में क्या कीजिए, जो आपका प्राइवेट लैंड है उसको आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस पर फॉरेस्ट्री परफॉर्म करिए, उसको हम क्या कहते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री। क्या कहते हैं? फार्म फॉरेस्ट्री। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोशल कॉज के लिए जब हम करते हैं फॉरेस्ट्री आउटसाइड द कन्वेंशनल एरिया, इसको हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। क्या कहते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, अभी आप लोगों ने बताया नहीं आंसर। अच्छा ठीक है, एल्बर्ट मेयर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो एल्बर्ट मेयर एकदम करेक्ट आंसर है, जो किससे रिलेटेड है? हाँ, इटावा पायलट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। कहाँ पर आया था? इटावा डिस्ट्रिक्ट यूपी में आया था। ओके, 1948 में आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़ पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी व्हाट शुड बी द फॉरेस्ट कवर टू बी मेंटेन, कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग? ओके, तो इतना तो है नहीं हमारा जितना होना चाहिए। ओके, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, पहले ये नोट कर लीजिए, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज लीडिंग स्टेट कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर। ठीक है, अभी देखिए ये मध्य प्रदेश ये हो गया, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला डिक्लेयर्ड ऑर्गेनिक स्टेट, तब आपने क्या लगाना है? सिक्किम लगाना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कितना जो इंक्रीमेंट है वो कौन से स्टेट ने शो किया है, ये लिखिए। तब तक मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ, कितना होना चाहिए? 1/3 या फिर 33% आपका क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट कवर के अंडर आना चाहिए। ठीक है, इतना है नहीं हमारा, हमारा कितना है? 24% के आसपास। ठीक है, चलिए आंसर एकदम करेक्ट है आपका, 1/3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नोन एज फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको कहा जाता है? तब तक मैं आपको अलग अलग, जो ये जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है इसको कहा जाता है पलाश ट्री। क्या कहा जाता है? पलाश। फाइकस बैंगलेंसिस इसको क्या कहा जाता है? बैनियन ट्री। कई बार डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया जाता है? सीधा आपसे साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है। ओके, जैसे पिछली बार पूछा गया था साल का। ओके, पाइनस रॉक्सबर्गा ये क्या होता है? पाइन ट्री। ठीक, बैम्बूसा इंडिका ये क्या होता है? बैम्बू ट्री। एजार डायरेक्टा इंडिका ये क्या होता है? नीम। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट आपसे पूछा गया है, देखिए ऐसे कुछ कर आपके इसके क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं जो आपकी आग की लपटों जैसे लगते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। कौन सा होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। वेरी नाइस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको हम क्या कहते हैं? पलाश ट्री कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिकल्चर इज द आर्टिफिशियल लेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। चलिए आपने ये भी जान लिया कि जो सेरिकल्चर होती है उसमें आप क्या करते हैं? सिल्कवॉर्म की आर्टिफिशियल लेयरिंग करते हैं। उसी तरह से एपिकल्चर में आप क्या करते हैं? हनी बी की आर्टिफिशियल लेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका? एपिकल्चर हो जाता है। टू ड्रू सिल्क आउट ऑफ इट, तो एग्रोफॉरेस्ट्री प्लांट सूटेबल फॉर सिल्क इंडस्ट्री। तो सिल्क इंडस्ट्री के लिए कौन सा प्लांट सूटेबल होता है? ठीक है, चलिए देखिए, पाइनस रॉक्सबर्गाई ये क्या होता है? पाइन। पॉपुलस डेल्टोइस ये होता है आपका पॉपुलर ट्री। ओके, अकेशिया कटैचू उसको कहा जाता है कत्था। मोरस अल्वा यानी आपका क्या हो गया? ये मलबरी ट्री। अब क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म होता है उसको किस पर रेयर करते हैं? मलबरी ट्री पर रेयर करते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोरस अल्बा। मोरस अल्बा किस में यूज़ किया जाता है? सेरिकल्चर इंडस्ट्री में। अब इसका प्लांटेशन क्या जाता है? इस कल्चर को कहा जाता है मोरी कल्चर। क्या कहा जाता है? मोरी कल्चर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि मोरी कल्चर किसको कहा जाता है। वेरी नाइस, तो मोरस अल्बा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द फॉरेस्ट जनरेटेड जनरली फ्रॉम द सीड्स। ओके, तो जो सीड से जर्मिनेट किया जाने वाला फॉरेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओके, तो चलिए पहले मैं आपको और ऑप्शंस बता लेती हूँ, रिजर्व फॉरेस्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब होता है कि आपकी जो एंट्री है वो एंट्री एकदम रेस्ट्रिक्टेड है। जब तक आपको क्या है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो अलाउ नहीं करता है, आपकी एंट्री एकदम रेस्ट्रिक्टेड होती है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो आसपास की लोकेलिटी होती है उसको परमिशन अलाउ कर दी जाती है कि आप इससे अपनी जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, हाई फॉरेस्ट क्या होता है? सीड से जर्मिनेट होता है। कोपाइस का मतलब क्या होता है? जिसको हम किससे लेते हैं? कोपाइस से लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कोपाइस फॉरेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरी नाइस, तो आंसर हो जाएगा आपका हाई फॉरेस्ट।
ठीक है, वेरी नाइस. तो आंसर क्या हो जाएगा? हाई फॉरेस्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तब तक किसी बच्चे ने पूछा है, आनंद ने पूछा है, विच स्टेट इज टॉप इन सेरिकल्चर. तो कोई कोई बताना चाहेगा कि कौन सा स्टेट टॉप है सेरिकल्चर में? ठीक है, वेरी नाइस. चलिए, डैश इज अ लैंड यूज सिस्टम दैट इंटीग्रेट ट्रीज एंड श्रब्स ऑन द फार्म लैंड. ओके, तो एक काइंड का लैंड यूज सिस्टम है. ओके, तो जिसमें आप क्या लेते हैं, ट्रीज और श्रब को लेते हैं ऑन द फार्म लैंड्स एंड रूरल लैंडस्केप टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी. तो इसको हम क्या कहते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री में आपने जाना कि आप क्या करते हैं, अगर कन्वेंशनल फॉरेस्ट के बाहर आप फॉरेस्ट प्लांटेशन करते हैं ताकि आप क्या करें, सोशली बेनिफिट के लिए करें, तो उसको क्या कहा जाता है? सोशल फॉरेस्ट्री कहा जाता है. ठीक है, फार्म फॉरेस्ट्री में हमने क्या जाना कि जो फार्म फॉरेस्ट्री होती है, मतलब इंडिविजुअल को कंपेल किया जाता है कि आप अपने अपने लैंड पर क्या करिए, फॉरेस्ट्री परफॉर्म करिए, तो उसको क्या कहते हैं? फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं. कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? जब कम्युनिटी को राइट दे दिए जाते हैं फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, उसको कहा जाता है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री. ओके, अब आपके पास एक ऑप्शन है एग्रो फॉरेस्ट्री. एग्रो का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री. अगर आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री करते हैं साथ साथ में, इसको कहा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री. तो आंसर क्या बन जाएगा? सी नहीं होगा आंसर, आंसर हो जाएगा बी, एग्रो फॉरेस्ट्री. ठीक है, एक और कंसेप्ट आता है होमस्टीड एग्रोफॉरेस्ट्री. होमस्टीड एग्रोफॉरेस्ट्री का मतलब होता है अगर आप एग्रोफॉरेस्ट्री परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वो आपके अपने और अपने फैमिली पर्पस के लिए है, उसको हम कहते हैं होमस्टीड एग्रोफॉरेस्ट्री. क्या कहते हैं? होमस्टीड एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इन विच ऑर्चार्ड प्रोटेक्टेड बाई टॉल ट्रीज. ओके, अब ऑर्चार्ड देखिए, ऑर्चार्ड में यूजली क्या ग्रो होती है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. ओके, बट टॉल ट्रीज ऑन इट्स बाउंड्रीज. अब इसमें क्या की गई है? देखिए, आपके पास क्या है? हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, उसमें आपने टॉल ट्रीज भी लगाए हैं, तो दो कॉम्पोनेंट हो गए. तो कौन से हो जाएंगे? ऑर्चार्ड का मतलब हो जाएगा हॉर्टी. अब आपके पास हॉर्टी के अलावा तो कोई दिख नहीं रहे ऑप्शन, है ना? तो हॉर्टी और उसके बाद क्या है? टॉल ट्रीज है. तो क्या हो जाएगा? हॉर्टी प्लस सिल्वी, यानी हॉर्टी सिल्वी कल्चर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, पूछा जाएगा एग्रीकल्चर क्रॉप्स को जब हम फॉरेस्ट ट्रीज के साथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एग्री सिल्वी कल्चर. एग्री हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्लस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को अगर आप लेते हैं तो उसको एग्री हॉर्टिकल्चर कहते हैं. ठीक है, सिल्वी पास्चर का मतलब क्या होता है कि जो सिल्वी यानी फॉरेस्ट क्रॉप को अगर आप किसके लिए लेते हैं प्लस फॉर्डर क्रॉप्स लेते हैं साथ में, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिल्वी पास्चर. ओके, शिफ्टिंग कल्टिवेशन जिसको क्या कहा जाता है? झूम कल्टिवेशन भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न मेथड कहा जाता है, प्लस लैंड रोटेशन. क्या कहा जाता है? लैंड को रोटेट करते हैं आप, तो इसको लैंड रोटेशन कहा जाता है. एक होता है आपके पास क्रॉप रोटेशन जो आपको सोनल मैम ने पढ़ा दिया होगा, दूसरा होता है लैंड रोटेशन जिसमें क्या किया जाता है? लैंड को रोटेट किया जाता है. ओके, तो ये क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन. टोंग्या सिस्टम होता है, टोंग्या का मतलब क्या होता है? हिल कल्टिवेशन. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हिल कल्टिवेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं पीछे, वेरी नाइस. तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा. ठीक है, हाँ ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में यूजुअली क्या परफॉर्म की जाती है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन परफॉर्म की जाती है. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ पाइन ट्री. ओके, अब आप लोगों ने पीछे मैंने आप लोगों को जो साइंटिफिक नेम थे वो बताए थे, है ना? टेक्टोना ग्रैंडिस किसका होता है? टीक का. किसका होता है? टीक का. सॉरिया रोबस्टा किसका होता है? साल का. किसका? साल का. सेड्रस देवदारा यानी देवदार ट्री. किसका? देवदार. क्वेरिकस ल्यूकोट्राइकोफोरा इसको कहा जाता है बांज ट्री. ओके, तो इसकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स में आपको अच्छा खासा यहाँ पर इसकी रूट्स के पास पानी का जो सोर्स होता है वो दिखाई दे जाएगा. ओके, पाइनस रॉक्स बर्गाई ये क्या होता है आपका? दैट इज कॉल्ड एज पाइन ट्री. इसको हम क्या कहते हैं? पाइन ट्री कहते हैं. ठीक है, तो अगर आपसे क्या पूछा जाएगा? देवदार पूछा जाएगा. ओके, हाँ, तो अगर देवदार पूछा जाएगा तो दैट इज सेड्रस देवदारा. साल पूछा जाएगा तो सॉरिया रोबस्टा, टेक्टोना ग्रैंडिस टीक, और पाइनस रॉक्स वर्गाई क्या हो जाएगा? पाइन ट्री हो जाएगा. चलिए आगे चलते हैं, आंसर फटाफट करते रहना. ठीक है, मैं आपके आंसर भी देख रही हूँ तो आप आंसर भी करते रहना, तब तक मैं आपको आगे कुछ चीज़ें बता देती हूँ. ठीक है, साल नहीं होगा बच्चे. अ सॉइल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेपरेट. तो सॉइल में यूजुअली कितने सेपरेट्स होते हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे. ठीक है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है अपनी स्क्रीन पर तो इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर देना मुझे. ठीक है,
तो एक सॉइल में यूजुअली कितने सेपरेट्स होते हैं? वेरी नाइस, तो चंदनी ने आंसर दिया है 3. वेरी नाइस, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, डी नहीं होगा इसका आंसर. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉइल में यूजुअली 3 सेपरेट होते हैं, कौन से होते हैं? सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ठीक है, तो क्ले जो सबसे छोटा पार्टिकल हो गया, सैंड जो पार्टिकल आपका बड़ा हो गया. क्ले का साइज कितना होता है? लेस देन 0.002 mm. ओके, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? क्ले पार्टिकल. अब जब क्ले पार्टिकल होगा तो आपकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होगी बहुत अच्छी होगी, छोटा पार्टिकल है वाटर को होल्ड कर कर रखता है. ठीक है, सैंड का पार्टिकल होगा पानी निकल जाएगा. ठीक है, तो उसमें जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है. किस में? सैंड में. सबसे अच्छी किस में होती है? क्ले में. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक सेकंड में आप बिना देखिए इसको आंसर लगा देंगे. चलिए करिए. द नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट इन द डिकम्पोज मिक्सचर ऑफ डंग एंड यूरिन. ओके, फार्म एनिमल्स के डंग और यूरिन में नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है? ओके, तो ये आपसे पूछा गया है. अगर मैं आप लोगों को एक हिंट दूंगी तो आप इसको आंसर एकदम बिना देखे लगा देंगे. ठीक है, मैं आप लोगों के आंसर देख रही हूँ, तो फटाफट करना इसका आंसर. ठीक है, वेरी नाइस, तो ए. ठीक है, ठीक है, तो ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.5%. अगर वही मैं सिर्फ आपको पूछती कि नाइट्रोजन कंटेंट इन FIM, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन भी देखता, सीधा 0.5 पे टिक कर लेता है ना. तो थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज बढ़ा दी गई है, पर आंसर क्या हो जाएगा? 0.5. 0.25 कितना होता है? फॉस्फोरस P2O5, है ना. K2O कितना होता है? 0.5. तो ये FYM में होता है ना, 0.5, 0.25 और 0.5. FYM कौन से टाइप का मैन्योर होता है? तो इसको हम कहते हैं बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर. ओके, बल्की का मतलब क्या होता है कि आप को न्यूट्रन जो देना पड़ेगा वो ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है ना. आपको सिर्फ 0.5, 0.25, 0.5 मिल रहा है NPK, तो आपको क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ेगा. इसको हम क्या कहेंगे? बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर कहेंगे. ठीक है, तो ये भी जान लिया आप लोगों ने, इसको भी अपनी कॉपी में लिख लो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आंसर तो दिख ही गया. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास प्रॉब्लमेटिक सॉइल से. जब हम डील कर रहे थे ना अभी प्रॉब्लमेटिक सॉइल से, कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल में क्या होता है? वेरी नाइस, ठीक है, तो बहुत अच्छे आंसर्स कर रहे हैं आप लोग. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है प्रॉब्लमेटिक सॉइल से. ओके, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी दिख चुका है ना. तो फ्लडिंग मेथड आप किस सॉइल के रिक्लेमेशन में यूज़ करते हैं? तो जितने भी फिजिकल मेथड होते हैं यूजुअली किस सॉइल में यूज़ किए जाते हैं? स्क्रैपिंग हो गया, फ्लडिंग हो गया, ये किए जाते हैं सलाइन सॉइल में. ओके, एल्कलाइन में क्या किया जाता है? जिप्सम. अब आप बताना कि एसिडिक सॉइल में आप क्या यूज़ करते हैं? ठीक है, एसिडिक सॉइल को रिक्लेम करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? ठीक है, तो ये आप क्या है, ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आंसर तो दिख ही गया है. तो द सॉइल फॉर्म ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयन ऑक्साइड. ओके, तो जो हमारा पहला दिन सेशन था उसमें भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयन ऑक्साइड से बनने वाली सॉइल को क्या कहा जाता है? ओके, आप सभी को पता है कि इंडिया में जो मेजरली सॉइल होती है ना, उसका जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है अलूवियल सॉइल, अप्रॉक्सीमेटली 46% एरिया अलूवियल सॉइल होती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? रिवराइन सॉइल भी कहते हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी इसको कहा जाता है. ब्लैक सॉइल इसको हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी या फिर रेगुलर सॉइल कहते हैं. ओके, रेड सॉइल के बारे में आपसे पूछा गया है. वाइट डिफ्यूजन ऑफ आयन ऑक्साइड से बनने वाली सॉइल कौन सी होती है? रेड सॉइल होती है. ओके, डेजर्ट सॉइल, यानी जो आपने पढ़ा होगा अभी ड्राई फार्मिंग पढ़ा होगा, है ना, तो जहाँ पर आपका क्या होता है? प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल होता है, तो वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम कहते हैं डेजर्ट सॉइल. ओके, सलाइन सॉइल यानी सॉल्ट का अकोमोलेशन है सर्फेस पे, उसको हम क्या कहेंगे? सलाइन सॉइल कहेंगे. आंसर क्या बन जाएगा? रेड सॉइल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पिछली बार आपका आया हुआ क्वेश्चन है. वेरी नाइस, तो आप लोगों ने रेड सॉइल किया है. ठीक है, हाँ, तो जहाँ पर भी एसिडिक सॉइल को रिक्लेम करते हैं हम लाइम से, तो लाइम अगर आप लोगों ने ऑप्ट किया है तो एकदम करेक्ट आंसर है. ठीक है, वेरी नाइस. ब्लैक सॉइल में मोनोलाइट होता है, बिल्कुल सही बात है. चलिए, ये पिछली बार का आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें कहा गया है सब्सटेंस दैट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच व्हेन एडेड द सॉइल इंक्रीजेस इट्स फर्टिलिटी एंड प्रमोट्स प्लांट ग्रोथ. तो कौन सा ऐसा न्यूट्रन सोर्स होता है ये आपका? ठीक है, तो देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर ऑब्वियसली, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं इन्वॉल्व होंगे, केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे. ग्रीन मैन्योर ये आपकी क्रॉप्स होती है ना, तो ये भी नहीं होंगी. मल्च क्रॉप्स में हम क्या यूज़ करते हैं? हमारा एम क्या होता है? सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करने का. तो जो हम एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं, लिविंग होते हैं, इनको कहा जाता है
बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उनके स्ट्रेन्स को जब यूज़ किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं बायो फर्टिलाइज़र्स। क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइज़र्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इनके एडवांटेजेस भी देख सकते हैं। तो इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, मेंटेनेंस ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो सप्लाई मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट, ये आपके क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट इनके एडवांटेजेस हैं जो बायो फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मिंग प्रैक्टिस हेल्प्स टू रिड्यूस विंड इरोजन। देखिए, अब ये इरोजन एंड कंजर्वेशन के कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, विच फार्मिंग प्रैक्टिस हेल्प रिड्यूस विंड इरोजन इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो एग्रीकल्चर फील्ड में विंड इरोजन को रोकने के लिए आप कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? ओके, ओवरग्रेजिंग लाइफ स्टॉक, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो फिर तो सॉइल बेयर हो जाएगी, सॉइल बेयर हो जाएगी उतनी ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएगी इरोजन के लिए, है ना। तो ये तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी रॉन्ग आंसर हो जाएगा, लीविंग द सॉइल एक्सपोज्ड एंड बेयर, यही तो नहीं करना है। अगर आपकी सॉइल बेयर होगी तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा उससे? इरोजन होगा, तो ये भी नहीं होगा। डिफॉरेस्टेशन, आप प्लांट हटा देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। प्लांटिंग विंड ब्रेक्स, यानी आप हवा को रोकेंगे, विंड ब्रेक को प्लांट करेंगे, तो आपका ये आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो विंड मतलब इरोजन, मतलब क्या होता है कि आपकी जो फर्टाइल टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जा रही है, और अगर आपका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट यहाँ पर क्या होता है? विंड होता है, तो उसको हम कहते हैं विंड इरोजन। किस वे में होता है ये? सॉल्टेशन, सस्पेंशन, सर्फिस क्रीप, ठीक है। तीन पार्ट होते हैं उसके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी आंसर करिए, ठीक है। तो डी एकदम करेक्ट आंसर था आप लोगों का, जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इम्पार्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ स्टिकीनेस, ओके। तो जितना ज़्यादा क्ले पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा स्टिकीनेस होगी। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, आप सभी को पता है कि इसमें क्या होता है? मोनोमेलानाइट होता है, सॉइल में पानी भरता है, सॉइल फूल जाती है, पानी निकलता है, सॉइल श्रिंक हो जाती है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, सेल्फ मल्चिंग और सेल्फ प्लोइंग सब किस में होता है? ब्लैक सॉइल में होता है। किस में होता है? रेगुर सॉइल में होता है। किस में होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल में होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मैंने और आपको और बताई, तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा कि ब्लैक सॉइल की जब बात की जाएगी, यानी इसमें 30-50% कितना क्या होता है? क्ले कंटेंट होता है। क्ले कंटेंट होगा तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होगी, ओके। तो इस वजह से क्या होगा? इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होगा। वेरी नाइस, तो आप लोगों का जो आंसर है ब्लैक सॉइल वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Among the following which is not included in the 12 soil order, okay? 12 soil order किस तरह से याद रखना है? आफगामी हाउस, है ना, आफगामी हाउस, एंटीसोल, स्पोडो, अल्टी, ऑक्सी, हिस्टो, इंसेप्टी, मॉली, अल्फी, जेली, एरिडो, एरिडिसोल, वर्टी और अल्फी, ठीक है। तो इस तरह से आपके 12 सॉइल ऑर्डर हो गए। वर्टी, वर्टी आता है, ब्लैक सॉइल का सॉइल ऑर्डर क्या होता है? वर्टिसोल होता है। अल्फी, अल्फी भी आता है। एरिड सॉइल का कौन सा होता है? जो आपकी एरिड एरियाज में मिलती है, एरिड मतलब सूखा, है ना, तो एरिडिसोल भी होता है। मॉली सॉइल यानी सॉफ्ट ग्रासलैंड सॉइल, जो आपकी तराई सॉइल्स होती हैं, बहुत वर्ड की जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती हैं मॉली सॉइल। एसिडोसॉल, ये कुछ नहीं होता है। इस तरह का आपके पास कोई भी सॉइल ऑर्डर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरी नाइस, तो ई एकदम करेक्ट आंसर है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर ई हो जाएगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। तो वाटर टेबल की डेप्थ को मेजर करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? ओके, अच्छा, आपके पास है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किसके लिए होता है? विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए होता है। विंड वेन, विंड वेन किसके लिए होता है? विंड वेन का मतलब होता है कि आप हवा की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का पता करने के लिए विंड वेन होता है। पायरेनोमीटर का मतलब क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए को मेजर करने के काम क्या आता है? पायरेनोमीटर। अभी आपको टेंसियोमीटर सोनल मैम ने बताया, यानी सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करने के लिए क्या होता है? टेंसियोमीटर। आपसे क्या पूछा गया है? डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, तो वाटर टेबल की डेप्थ को मेजर करने के लिए क्या होता है? पीजोमीटर, ओके। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। तो एकदम करेक्ट आंसर है आप लोगों का डी, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो बहुत सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इरोजन का। यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हेन स्मॉल चैनल्स, अब आपके पास छोटे छोटे जो चैनल्स हैं वो चैनल्स डेवलप हो रहे हैं, और उन चैनल्स को आप क्या कर सकते हैं? रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? अगर आप प्रॉपर टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो इनको क्या, इस इरोजन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो सबसे पहला जो वाटर इरोजन होता है, यानी आपका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या है? वाटर है। वाटर में आपके क्या होते हैं? इरोजन, स्प्लैश, शीट, ट्रिल, गली, है ना।
तो स्प्लैश का मतलब क्या होता है कि जो आपकी वाटर की सॉरी रेन की ड्रॉपलेट्स होती हैं उसकी वजह से जो इरोजन होता है, यानी पानी की काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो आपकी सॉइल होती है वो अपनी सर्फेस से जो डिटैच हो जाती है उसको हम कहते हैं स्प्लैश। शीट मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिमूवल हो जाती है आपकी टॉप सॉइल की, है ना, तो पूरी शीट जो बह जाती है जिसको हम डेथ ऑफ फार्मर भी कहते हैं, वो क्या होता है शीट इरोजन। रिल में क्या होता है, छोटे छोटे चैनल्स बनते हैं, छोटे छोटे चैनल्स जब बनते हैं तो इसमें क्या होती है विड्थ और डेप्थ कम होती है। इनको आप टिलेज ऑपरेशन से करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका सी एकदम करेक्ट आंसर है, जिन भी बच्चों ने क्या किया है सी ऑप्ट किया है एकदम करेक्ट है। गली का मतलब क्या होता है, अगर आपकी जो चैनल्स हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं यानी उनकी विड्थ और डेप्थ दोनों बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं गली। सरफेस क्रीप किस में होता है, विंड इरोजन में, यानी आपका रोलिंग एक्शन होता है इसमें, ठीक है। तो जो सॉइल का पार्टिकल होता है, पार्टिकल बड़ा होता है तो वो सरफेस पर रोल करते हैं, उसको हम कहते हैं सरफेस क्रीप, ठीक है। तो ऐसे आपके चैनल डेवलप हो जाते हैं जिसको आप टिलेज से करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स प्लांटिंग क्रॉप्स इन स्ट्रिप्स, ओके। तो सबसे यहाँ पर देखिए सॉइल कंजर्वेशन का ये क्वेश्चन है, ओके। अब सॉइल कंजर्वेशन आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर जो स्लोप होता है वो लेस देन इक्वल टू 2% होता है, ओके। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, एग्रोनॉमिक मेजर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपके एग्रोनॉमिक मेजर्स में बहुत सारे मेजर्स आ जाते हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि आप प्लांटिंग करते हैं अक्रॉस द स्लोप ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स में, ठीक है। तो स्ट्रिप्स में आप प्लांटेशन करते हैं, बहुत आसान है इसको पता करना, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था क्योंकि ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे, नाम से पकड़ेंगे तो आप आराम से क्या कर देंगे, टिक कर लेंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग। मल्च क्रॉप का मतलब क्या होता है, आप सॉइल को ढक के रखेंगे ताकि जो उसका मॉइस्चर है मॉइस्चर लॉस ना हो, मॉइस्चर लॉस नहीं होगा तो सॉइल इतनी ज़्यादा आपकी ससेप्टेबल नहीं होगी इरोजन के लिए, ठीक है। वेजिटेटिव बैरियर्स में भी, वेजिटेटिव कवर्स में आप क्या करते हैं, प्लांट को प्लांट से कवर करते हैं सॉइल को, ठीक है। तो यहाँ पर भी एम क्या है, सॉइल कंजर्वेशन है। मिक्स क्रॉपिंग, यहाँ पर कोई डेफिनेट रो पैटर्न नहीं होता है। रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि रिले क्रॉपिंग क्या होती है, आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो यूरिया से, ठीक है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नैनो यूरिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपके पास नैनो यूरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं, ओके। सो नैनो यूरिया फर्टिलाइजर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मीडियम, ठीक है। अनलाइक द कन्वेंशनल वन इट इज़ हाई फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, इसीलिए ये आया है। ऑब्वियसली इट इज़ प्रोड्यूस बाय इफको, है ना, तो इफको यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, तो ये इन्होंने इसको बनाया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिख रहा है आपको इफको नैनो यूरिया लिक्विड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसलिए लेकर आया गया है, एक बोरी यूरिया दफ़ा हो जाएगी उसमें, ठीक है, अगर आप एक बोतल यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे चलते हैं, हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ठीक है। अब आपको लोगों को क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या, आप लोग व्हाट इज़ FUE, FUE का मतलब होता है फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी, दैट इज़ फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर अराउंड, तो मैन कितना पावर जो है डेवलप कर सकता है, फील्ड यूज़ नहीं होता बच्चे, फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी, ठीक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 HP, ओके। अब ये मैन को लेकर चलते हैं, हम वुमेन की बात करते हैं तो 0.05 HP उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि अगर हम ह्यूमन पावर की बात करते हैं तो मैन में हम लेते हैं 0.1, वुमेन के केस में हम लेते हैं 0.05, ओके। एनिमल पावर की बात करेंगे तो जिसमें आप क्या आते हैं बुलक, और यहाँ पर क्या होता है 1/10 ऑफ देयर बॉडी वेट ये कैरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है, 0.1 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, द एवरेज फोर्स दैट अ बुलक कैन एग्जर्ट, तो ये कितना होता है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ये कितना होता है, वेरी नाइस। तो शुभम ने सबसे पहले आंसर किया है, आंसर क्या हो जाएगा, 1/10 ऑफ देयर बॉडी वेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब फटाफट हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चंस को, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और हमारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाए, आप लोगों का रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन पूछा है, दो इंजन होते हैं आपके पास, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन, ऑब्वियसली जब आपको पूछा गया है इफिशियंसी तो किसकी ज़्यादा होगी,
32-38% होती है किसकी, डीजल इंजन की। पेट्रोल की कितनी होती है, 25-32, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 32-38, ओके। तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 32-38, ठीक है, 32-38, ओके। चलिए आगे चलते हैं, टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल कितना होता है, आंसर दिख गया यहाँ पर, सॉरी आप लोगों को आंसर दिख गया पहले ही। तो डिस्क एंगल की जब हम बात करते हैं, अच्छा ठीक है, तो आपसे पूछा गया है टिल्ट एंगल कितना होता है, ओके। सो 15-25 अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 15-25 आपका क्या होता है, टिल्ट एंगल होता है, ओके। और 45 तक आपका क्या होता है, डिस्क एंगल होता है, ओके, ठीक है। 15-25 आपका क्या जाता है, टिल्ट एंगल हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इंजन कॉम्पोनेंट दैट ट्रांसफर मोशन फ्रॉम द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट एंड फंक्शंस एज अ लीवर आर्म, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है किसको, किसको किससे कनेक्ट करता है, देखो आप सेशन को शेयर भी कर दो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, डैश इज एन इंजन कॉम्पोनेंट दैट ट्रांसफर मोशन फ्रॉम द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो किसको किससे कनेक्ट करता है, पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करता है, ओके। तो कौन होता है ये, तो देखिए जो पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपर नीचे मूवमेंट से क्या होता है, जो मोशन होता है जनरेट होता है ना। फिर आपका जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो क्या करता है, इस जो आपका क्या होता है टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसको रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, ओके। तो इसको क्या, ये कौन सा होता है आपका, क्रैंकशाफ्ट। अब देखिए जो आपकी कनेक्टिंग रॉड होती है, कनेक्टिंग रॉड का काम क्या होता है, इन दोनों को कनेक्ट करना, पिस्टन को जो आपका क्रैंकशाफ्ट होता है उसको कनेक्ट कौन करता है, कनेक्टिंग रॉड करता है, करती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए कनेक्टिंग रॉड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए आ जाएगा, ठीक है, बी नहीं आएगा, आंसर होगा ए कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। कैमशाफ्ट का काम कहाँ पर होता है, वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग में इसका रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है आपके पास कुछ, व्हेन देयर इज ओनली वन बायर, ठीक है। तो एक ही बायर होती है, बायर है तो कौन सा होगा, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब जब हम किस में डील कर रहे हैं, सेलर में डील कर रहे हैं। सोनी का मतलब क्या होता है, जब हम बायर में डील कर रहे हैं, आपके पास एक ही खरीददार है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोपसोनी कहेंगे, ठीक है। अगर एक ही बेचने वाला है आपके पास, एक ही सेलर है, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोपोली कहेंगे। ओलिगोपोली में क्या होता है, कुछ फ्यू सेलर्स आपके पास होते हैं, परफेक्ट मार्केट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे आपके इनपरफेक्ट मार्केट में आते हैं, ओके। परफेक्ट मार्केट सच में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोनोपसनी सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए ये आपके फार्म मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन है, वेरी नाइस, तो मोनोपसनी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, व्हेन अ फार्म इज ऑर्गेनाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल कमोडिटी एंड दिस कमोडिटी इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। एक ही कमोडिटी है और एक ही कमोडिटी आपकी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप फील्ड में क्या करते हैं, आपके पास बहुत सारी एंटरप्राइज हैं लेकिन एक एंटरप्राइज से आपको सबसे ज़्यादा इनकम मिलती है, मोर देन 50% इनकम आपकी वहाँ से जनरेट होती है, तो वो कौन सी हो जाती है, स्पेशलाइज्ड। बी क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है, आपके डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, डाइवर्सिफाइड। रैंचिंग का मतलब क्या होता है, रैंचिंग फार्म आपके वो होते हैं जहाँ पर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं ना, तो रैंचिंग में जब आपके जो एनिमल्स होते हैं उनके ग्रेजिंग के लिए जो फार्म होते हैं उनको हम रैंचिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब फटाफट से हम आगे मूव करते हैं, ये आप देख सकते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेंगे, सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगे, अलग अलग एंटरप्राइज हैं। स्पेशलाइज में आपकी एक एक क्या है, एक आपकी एंटरप्राइज से सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही है स्पेशलाइज फार्मिंग में, इस फार्मिंग में अलग अलग है, लाइफ स्टॉक भी इसमें इंक्लूड है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद जय हिंद, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स इंक्रीज देयर इनकम बाय पूलिंग द लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, जो जितने भी सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज को क्या करते हैं, पूल करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने आंसर किया है डी, कोऑपरेटिव फार्मिंग, तो एकदम बिल्कुल सही आंसर है। कोऑपरेटिव में क्या करते हैं, अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनको आपस में पूल कर लेते हैं, फिर ये डिफर करता है कि ओनरशिप आपके पास रहेगी नहीं रहेगी, वो अलग अलग आपके कोऑपरेटिव बैटर फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। स्टेट फार्मिंग में स्टेट गवर्नमेंट के पास आपके जो रूल्स रहेंगे या फिर जो अथॉरिटी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। कैपिटलिस्टिक मतलब जहाँ पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपका जो इंडिविजुअल है उसके पास कैपिटलिस्ट कैपिटल होने के बाद ज़्यादा है, ठीक है। स्टेट फार्मिंग भी इसी को कहा जाता है, कैपिटलिस्टिक और स्टेट फार्मिंग एक ही होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव में यूजुअली क्या होता है, अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए।
अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके किसके क्वेश्चंस हैं, इकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है आईपीसीसी की फुल फॉर्म आप लोगों ने बतानी है, ओके। सो आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग अगर आप लोगों ने पिछला आंसर किया है तो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होती है, ओनरशिप रिटेन रहती है या फिर ओनरशिप नहीं होती है, तो वो अलग अलग में डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। वेरी नाइस, तो सी बहुत सारे लोगों का आंसर है, तो सी आंसर क्या है, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, एकदम करेक्ट आंसर है, तो सी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आईपीसीसी की फुल फॉर्म ये हो गई। अब आपके पास क्वेश्चन है व्हाट डस एल नीनो इन्वॉल्व, तो इस साल आपने बहुत सुना होगा एल नीनो और लानीना, है ना। तो एल नीनो और लानीना के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, तो आपके पास इस क्वेश्चन है कि एल नीनो क्या होता है और एल नीनो में क्या आता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि आपके पास अगर अनयूजुअल वार्मर विंड्स हैं, करेंट्स हैं, तो वो किस में आते हैं, एल नीनो में, उसका उल्टा क्या होता है, लानीना, है ना। तो एल नीनो में क्या आता है, आंसर है सी ए, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से जो तीनों स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NAPCC कब आया था, ओके। सो आपका NAPCC कब आया था, आंसर एकदम सही है आप लोगों का, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब लेकर आई थी, पेरू कॉसलेन, हाँ वेरी नाइस, लिटिल बॉय कहा जाता है, लिटिल बॉय लिटिल गर्ल स्पैनिश लैंग्वेज में, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। अच्छा आप लोगों ने आंसर किया है बी 2008, तो चेक करते हैं आंसर है कि नहीं है, आंसर हो जाएगा 30 जून 2008, ठीक है। तो ये NAPCC कब आया था, 30 जून 2008। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, एक डिटेल वीडियो भी आपके चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, और आपका एल नीनो का भी डिटेल वीडियो ना कैलाश सर ने बनाया है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, आपके क्लाइमेट चेंज जो टॉपिक है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। सो 49, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन बी कैरिड टू एनी लोकेशन, ठीक है। अभी एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको आप किसी भी लोकेशन पर लेकर जा सकते हैं, एंड ऑपरेटेड बाय एनीवन विद मिनिमल ट्रेनिंग, इट यूजेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट विद अ क्लाउड बेस्ड सर्वर एंड मोबाइल ऐप। इसके बारे में ना एक छोटी इन्फॉर्मेशन ये भी होनी चाहिए थी कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज कृषि रास्ता। अगर आपको ये दिया जाता है कृषि रास्ता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से क्या करिए, कमेंट करिए कि अगर यहाँ पर लिखा जाता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कृषि रास्ता, तो आपका आंसर क्या बनेगा, कृषि रास्ता भी इसको कहा जाता है, सर ने भी आपके साथ डिस्कस किया है, मैंने भी आपके इसमें क्या है डिटेल वीडियो बनाई है, तो आंसर बताइए। मेघदूत ऐप के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, मेघदूत में आपको क्या कि जो आपके फार्मर होते हैं उनको वेदर रिलेटेड एडवाइजरीज क्या कर दी जाती हैं, पहुँचा दी जाती हैं, उसको कहा जाता है मेघदूत ऐप, ठीक है। और जो एम किसान है उसमें भी क्या है, उनकी लोकल लैंग्वेज में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उनको पहुँचा दी जाती है, ठीक है। भू विजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आप एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी चाहिए थी, ऑल्सो कॉल्ड एज कृषि रास्ता, ये क्या है, रैपिड सॉइल टेस्टिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, भू विजन कहते हैं। तो आपके 12 पैरामीटर्स को ये टेस्ट कर लेता है विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो विद इन 30 मिनट्स को ये क्या कर लेता है, 30 मिनट्स में 12 जो सॉइल पैरामीटर्स होते हैं उनको टेस्ट कर लेता है, ओके। तो ये आपका इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उसे देख सकते हैं। अब फटाफट से मुझे अपने मार्क्स हैं वो मार्क्स बता दीजिए, देखिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अभी आप लोगों का आंसर बता दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही आपके पास क्या है, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में आप देखिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपके लिए रोज़ सेशन भी आ रहे हैं, या आपका शेड्यूल है आप इसे देख सकते हैं, आज का सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, कल आपके लिए पावर पैक जो सेशन है वो कौन लेकर आएंगे, तुषार सर लेकर आएंगे, और ये जो सेशंस आपके चलते रहेंगे, ओके, अप टू 14 ऑफ अक्टूबर। तो आप इनको ज्वाइन करिए, देखिए कि आपकी जो तैयारी है किस तरह से चल रही है। अच्छा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा फटाफट कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है। और ये देखिए आप लोगों के
इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे जो चैनल है, चैनल के आप देखेंगे YT कम्युनिटी या हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उस पर हम क्या करते हैं, इस इमेजेस फॉर्म में इनको अपलोड करते हैं आपके लिए जो भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। जैसा आपने देखा होगा आज फॉरेस्टी से रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स जो हैं वो उस पर अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो रेगुलर हम अपनी YT कम्युनिटी पर ये अपलोड करते रहते हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए जी अब इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू लाइक द सेशन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू वेरी मच।